हेलो एवरीवन, माय सेल्फ योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउट नेट पर। और मैं आपको आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, और जो कुछ जानते होंगे मैं आपको बताऊं कि मैं बायोलॉजी फैकल्टी हूं, 11th 12th एंड नीट के लिए लगातार बच्चों को मैं मतलब हजारों बच्चों को मैं नीट के लिए सेलेक्ट कर चुका हूँ। स्टेट बोर्ड टॉपर्स 11th 12th में हजारों बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनके टॉपर्स उन्हें बनाते हैं, उन्हें हम अच्छे गाइडेंस देते हैं। अब बारी क्लास 10th की है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों को अगर मैं 10th से प्रिपेयर करूंगा तो अब हमारा सफर बहुत लंबा, फिर 10th में हम 11th में 12th में नीट तक आपको गाइड करेंगे और हर एक चीज पग पग आपका पथ प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शक बने रहेंगे आपके साथ। तो इसी मार्गदर्शन के साथ और इसी सोच के साथ हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। हर बच्चे को उसके लिए शुरू से हम के मतलब हमारा वो बच्चा जो अंकुरण करेगा वही हमारे सामने पौधा बनेगा, हम ही उसे वृक्ष बनाएंगे और हम ही उसके फल को पूरी दुनिया से प्रफुल्लित करेंगे। तो ये बात, ये माजरा है आपको पढ़ाने का। तो अगर वीडियो पसंद आए अंत तक जरूर देखना, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बॉस आपका सपोर्ट हमें बहुत चाहिए। ये जो नया चैनल है, आपके प्यार से और आपके दुलार से और आपके सद्भाव से ही ये चैनल हमारा बड़ा चैनल बनेगा एक दिन। इसी भावना के साथ हमने ये चैनल स्टार्ट किया है आप सभी के लिए। तो अब ये चैनल हिंदी माध्यम का बेस्ट चैनल बनेगा, जो क्लास 10th 9th के लिए बच्चों का सर्वश्रेष्ठ गाइडेंस करेगा। और इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक चैप्टर बायोलॉजी का, जैव प्रक्रम, और इसे हम आपके लिए एकदम डिटेल्ड वे में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको समझाते हुए और आसानी से हंसी मजाक में हम इसे आप तक बात पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों से तो इस वीडियो को मैक्सिमम प्यार आपसे चाहिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को प्यारे बच्चों। और अब स्टार्ट करते हैं आपके बड़े भाई के द्वारा स्टार्ट किया गया ये चैप्टर जैव प्रक्रम। वन शॉट है, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ पढ़ के भी मैं आपको हर एक पॉइंट समझाऊंगा, ताकि जब दोबारा आप अपनी बुक पढ़ें उनके जो पॉइंट हैं अगर वो आपको समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो के साथ में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को रखकर भी पढ़ सकते हो, हर एक लाइन आपको समझ में आएगी। तो मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, आप एनसीईआरटी की बुक सामने रख लीजिए, मैं एनसीईआरटी के हर एक क्रियाकलाप हर एक पैराग्राफ को प्रॉपर समझाऊंगा आपको कि इस शब्द का क्या मतलब होता है और आपको इसमें समझने में आना क्या है। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं एक सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा क्वेश्चन आंसर का, कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कैसे लिखेंगे। तो आज समझने का माजरा है, आज हम समझने पे पूरा ध्यान लगाएंगे। अगला जो सेशन इसका होगा मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे लिखेंगे वन टू वन आपको लिखना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए आज का ये विषय जैव प्रक्रम। मैं सबसे पहला, हमेशा मेरा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का कि जब भी हम कोई चैप्टर्स पढ़े, कोई भी चैप्टर्स को सीखे, तो चैप्टर के नाम को अगर हम जान गए ना तो आप सब जान, मतलब ये जो आज की पहली स्क्रीन है ना, इस पहली स्क्रीन को देखो, मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूं, आधी बात यहीं पे समझ में आ जाएगी। जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस। यार इस दुनिया में मैं हूं, तुम हो, ये बोर्ड है, ये पेन है और सब कुछ है, पर तुम सुन मुझे पा रहे हो, तुम देख मुझे पा रहे हो, तुम हिलता हुआ मुझे देख पा रहे हो। कारण ये है कि मैं जिंदा हूं, ये बोर्ड मरा हुआ है, हिल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है ना, ये निर्जीव है। तो इस दुनिया में हमें जीव और निर्जीव के अंतर को पढ़ना है। इस दुनिया में कौन जिंदा है कौन मुर्दा है इसकी परिभाषा बनानी है। जस्ट एग्जांपल के लिए आप कह रहे हो कि आप बोल रहे हो तो मैं जिंदा हूं, चलो मैं खड़ा हो गया शांति से, क्या मैं जिंदा हूं? नहीं तो क्यों नहीं, और हां तो क्यों हां? क्योंकि अब तो मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अब तो मैं नहीं हिल रहा हूं, अब तो बोर्ड के समान ही खड़ा हूं मैं, फिर मैं क्यों जिंदा हूं? ऐसी हजारों बातें, परिभाषाएं बनानी है, एग्जाम में लिखना है, सटीक बात लिखनी है, तब ना हम बोर्ड के टॉपर बनेंगे। तो ये सारी बातें। दूसरी बात, आप इस डायग्राम को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हो, मैंने इसमें क्या लिखा है, पेड़ बनाए हैं, पक्षी बनाए हैं, भालू बनाया है, चिड़िया बनाई है और सब कुछ बना के रखा है। रीजन है, हमें इन्हीं को समझना है,
ये भी जिंदा हैं, ये कैसे पता चला? ये पौधे भी जिंदा हैं, ये कैसे पता चला? बैक्टीरिया भी जीवित है, ये कैसे पता चला? कुछ दिन पहले कोरोना आया था हमारा, वो कोरोना जीवित है कि निर्जीव है? कोई तो परिभाषा बता दो कि मैं किसी को कभी भी जिंदा कह दूं और किसी को भी मरा कह दूं, ऐसे थोड़े ना होता है। तो हमें हर चीज समझनी है कि कौन जिंदा और कौन मरा किस परिभाषा से। चलिए छोड़ दीजिए सारी कहानी, अपने आसपास की दृष्टि को उठाइए और देखिए चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है। आपको आसपास पेड़ दिख रहे होंगे, ये मत बोलना रूम में बैठे हैं सर गुरुजी आपके अलावा कोई नहीं दिख रहा है, पर ऐसा मत करना। मान लो आपके आसपास घरों के आसपास क्या दिख रहा है, कुछ पेड़ दिख रहे होंगे, कुछ जानवर घूम रहे होंगे, कुछ घर होंगे, कुछ गाड़ियां होंगी और कुछ लोग घूम रहे होंगे, यही हो रहा होगा। आप इनमें से कुछ लोगों को जैसे पेड़ है, जैसे जानवर है, जैसे मनुष्य है, इनको आप जीवित मानते होंगे। गाड़ियों को आप, घरों को निर्जीव मानते होंगे। ये किस परिभाषा के अकॉर्डिंग आपने ये परिभाषा बनाई कि कौन जीवित है और कौन निर्जीव है, हम इसी को समझने आज टॉपिक पे आए हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, जैव प्रोसेस चैप्टर का नाम है और इसको हम गहनता से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जीव और निर्जीव की कहानी। देखो यार, अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही हैं, मैं जो कह रहा हूं वो तुम सुन पा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम पोषण ले रहे हो, तुम उत्सर्जन कर रहे हो, तुम श्वसन कर रहे हो, तुम्हारे अंदर उत्सर्जन हो रहा है, तुम गति भी कर रहे हो, तो ये सब जीवित के गुण हैं और क्या, यही तो पढ़ना है इस चैप्टर। और निर्जीव ऐसा बिल्कुल नहीं करते, निर्जीव ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो ऐसी कौन कौन सी बात है जो जीवों में होनी चाहिए, वही है इस चैप्टर की जान है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कहानी, मैं कहूं कि जीव और निर्जीव के बीच में अंतर बताओ। आप कहोगे जो बढ़ता है वो जीव हो सकता है ना, जो वृद्धि करता है वो जीव हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना। तो माउंट एवरेस्ट आपको पता है हर साल 1 इंच बढ़ती है, हर साल 1 इंच बढ़ती है, तो क्या हिमालय की चोटी जीवित है? नहीं, मरी हुई है, वो तो बर्फ, वो तो निर्जीव है। उसी तरह रेत के टीले किनारों पर बड़े होते जाते हैं, होते जाते हैं, तो क्या वो जीवित है? कॉमेंट सेक्शन पे बताना। नहीं, निर्जीव है। तो वृद्धि जीवित भी करते हैं, निर्जीव भी करता है, तो वृद्धि लक्षण तो नहीं हो सकता, ठीक बात है। दूसरी बात, आपको लगता होगा कि जो जीव हैं वो जनन करते होंगे, रिप्रोडक्शन कर लेते होंगे, सही बात है। पर एक बात बताऊं, एक इंसान है मेरे गांव में, उसके बच्चे पैदा नहीं हुए, वो तो शादी नहीं की, तो क्या वो जीवित नहीं है? जीवित है ना। तो जनन भी हर कोई नहीं कर सकता, जनन के आधार पर भी हम जीवित और निर्जीव के बीच का फैसला नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर फैसला नहीं होता। तो अगर आप जीवित हैं तो क्या कर रहे होंगे, आपको पता है, अगर आप जीवित हैं तो आपके अंदर कुछ गुण कूट कूट के भरे हैं जो किसी के अंदर नहीं है। जैसे आपके शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपके जीवित होने का प्रमाण है, तो जीवित होने के लिए आपके अंदर मेटाबॉलिज्म, उपापचय, लगातार होने वाली अभिक्रियाएं होनी चाहिए। हालांकि ये निर्जीव अवस्था में भी होती हैं, पर जीवित में कुछ ज्यादा अच्छे से होती हैं। ये पहला पॉइंट है। अगर आपको ये समझना आए तो गौर करने की अभी कुछ खास जरूरत नहीं है, चैप्टर जब आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे आपको ये भी समझ आता जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अगर आप जीवित हैं तो आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं दिख रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग आप रिएक्शन दे रहे हैं। रिएक्शन दे रहे हैं मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है ना। अब मैं कहूंगा कि एक काम करो, हाथ इधर करो, अगर कर लिए तो तुम जीवित हो। मैं कह रहा हूं कि तुम पढ़ो मन लगा के, और अगर तुम पढ़ रहे हो तो जीवित हो। सेंस होना चाहिए, ये जीवों का विशेष गुण है, एकदम गुण होना चाहिए एकदम, है ना। तीसरी बात, अगर आप जीवित हैं तो आप प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया देंगे का क्या मतलब होता है? प्रतिक्रिया देने का मतलब होता है कि अगर आप हवा चल रही है तो आपको फील होगा, हवा चल रही है, अगर ठंड है, ठंड लग रही है, उफ़ो कितनी गर्मी है, ये सब प्रतिक्रिया होती है, ये जीवों का गुण है।
अभी जितनी बात बताई मैंने, इसको एक बार फिर से सोच के देखो कि कौन कौन सा गुण है। वृद्धि जीवों का गुण मुख्य गुण नहीं है, अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। वृद्धि निर्जीवों में भी हो सकती है, जनन जीव निर्जीव करे जरूरी नहीं है, जीव हर जीव करे जरूरी नहीं है, तो ये भी अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। लेकिन प्रतिक्रिया देना, संवेदना होना, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देना, ये गुण जीवों का है। एक और बात आ गई उपापचय की, तो ये जो उपापचय है वो जीवित में भी हो सकता है थोड़ा बहुत रिएक्शन, और निर्जीव रासायनिक अभिक्रियाएं तो कहीं पे भी हो जाती है, तो ये एक विशेष गुण है हमारा। ठीक है, इन विषयों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि भैया ये जीव ये निर्जीव और ये लक्षण ऐसे ऐसे लोगों के अंदर आते हैं। समझ गए बात को? ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन विषयों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कहा जाए, जैसे ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जीव और निर्जीव के बीच में कैसे अंतर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, गाय को चुगाली करते हुए देखते हैं, गली में इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं। आपकी गली में भी कोई चीखता है क्या? तो वो चीखते हुए देखते हैं, तो हाँ समझ जाते हैं कि कुत्ता गाय और इंसान तीनों जीवित है। जिंदा हो भैया तो हम ये मान लेंगे, जीव लेंगे। ठीक है, आप बताओ अगर ये तीनों सो रहे हो, जैसे एनसीईआरटी लिखती है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन अगर हमने समझ लेना मतलब सब कुछ काम हो गया, ये सो रहे हो तब भी क्या ये जीवित है? बताओ इस लाइन का आंसर। अगर ये तीनों सो रहे हो तो भी क्या ये जीवित हैं क्या? बताओ जल्दी से मुझे इसके बारे में, कमेंट सेक्शन पे आंसर होना चाहिए। हां जी जीवित है। क्यों? क्योंकि सोने के बाद भी सांस ले रहे हैं, क्योंकि सोने के बाद भी इनके पेट में खाना जो पड़ा है वो रिएक्शन कर रहा है। हाँ जी इनके शरीर के अंदर की जो धमनियों में भरा हुआ रक्त है वो बह रहा है, इसलिए ये जीवित हैं। तुमसे ये कोई सवाल पूछे, जैसे मैंने आंसर दिया है आप यही आंसर लिखेंगे, आप यही आंसर बोलेंगे, जी हाँ जीवित हैं। और हम देखेंगे कि ये सोते हुए भी सांस लेते हैं, और जब सांस लेते हुए देखते हैं कि जान लेते हैं कि हाँ जी जीवित है। ठीक है, मान लिया जीवित है। फिर एनसीईआरटी सवाल पूछती है कि ठीक है इनको तो सांस लेना, इनकी बॉडी में खून बहना, इनके पोषण ओषण होना तो सब समझ में आ गया, व्हाट अबाउट प्लांट? प्लांट के विषय में क्या कहानी है? तो हम प्लांट के बारे में बोलेंगे, क्या प्लांट जीवित है? तो हाँ सही बात है, हमारी तरह खून तो नहीं बहता, हमारी तरह खाना भी नहीं खाता मुंह से, ये हमारी तरह ये सांस भी नहीं लेता होगा फेफड़े फेफड़े से, लेकिन पानी नीचे से ऊपर जाता है, पौधा नीचे होता है, कल उसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, उसके तने मोटे होते हैं, वो भी वृद्धि करता है, मतलब कहीं ना कहीं किसी और तरीके का ही सही लेकिन पोषण लेता है, उसमें भी भोजन लगता होगा, उसमें भी पानी लगता है, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है, अभिक्रिया वो भी करता है, जी हां वो भी जीवित है। तो पहली पैराग्राफ का ये मतलब निकला कि आप जीव और निर्जीव को कैसे पहचानते हैं। बड़ी आसान भाषा में समझिए कि उनके शरीर में होने वाली अभिक्रियाएं जो मुर्दों में नहीं हो रही हैं, जो प्लांट जो जमीन पे मिट्टी पे नहीं हो रही हैं, जो लकड़ी में नहीं हो रही, लकड़ी मतलब मरी हुई लकड़ी में नहीं हो रहा है, वो इनमें हो रहा है, इसलिए जीवित है। इनके अंदर खून बह रहा है, ये सांस ले रहे हैं। आपको पता है पौधे भी सांस लेते हैं भाई साहब, लेते हैं, तो वो जो सांस लेते हैं जीवित का गुण निकल कर आता है। पहला ग्राफ सबको समझ में आया? फटाफट अपनी बात को कह दो कि हां जी पहली बात हमारे दिमाग में समझ में आ गई, ठीक बात है। अब दूसरी कहानी पे पहुंचते हैं, पौधों के ऊपर ज्ञान समझते हैं कि पौधों की बात क्या है। हमने कहा कि जो पौधे, कुछ लोग ये कहते हैं जो पौधे हरे हैं वो जिंदा है, जो पीला हो कैसे पहचानते हैं? हम एक पौधा लगाए, रोपा कर दिए, लगा दिए पौधे को, ठीक है, पौधा जब तक हरा हरा दिख रहा है, हाँ हाँ बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, पौधा जिस दिन पीला होना शुरू होता है कहते हैं मरने वाला है बेचारा, अब ये मर जाएगा, कहते हैं ना। तो क्या पौधा होना, पौधों का हरा होना, कुछ कहेंगे कि वो हरे दिखते हैं इसलिए वो जीवित है, तो पौधा हरा क्यों दिखता है, ये भी सवाल आएगा बाद में, हम पढ़ेंगे पौधा हरा दिखता क्यों। फिर दूसरी बात यह है कि अगर पौधा हरा है तो उनके बारे में क्या कहें, जो पौधे हरे नहीं है, कुछ पौधे लाल लाल होते हैं,
कुछ पौधे पीले पीले होते हैं, कुछ पौधे और किसी कलर के होते हैं, तो क्या वो जीवित नहीं है? है। उनके पास वर्णक पाया जाता है, ये पौधों की ब्यूटी है, ये पौधों की खास बात है। अगले विषय पे चलते हैं। तो वो समय के साथ वृद्धि करते हैं, पौधे भी वृद्धि करते हैं ना, मैंने बताया ना, पौधों को भी बढ़ते मैंने देखा है। भाई साहब, मेरे को तो बायोलॉजी लेने का पहला मन ही इसीलिए किया था, मैंने देखा कि मेरे घर पे एक आम का पौधा गिर गया, कुछ दिन के बाद पापा ने दूसरा पौधा लगाया, मैं उतने का उतना ही रह गया, मतलब 3-4 साल 5 साल का रहा होगा मैं, 5 साल का उतने का उतना 2 फिट का हूं, पौधा कुछ दिन में देखो 6 फिट का हो गया, और उसके बाद वो मेरे देखते देखते फल देने लग गया। मैंने पहली बार सोचा है ऐसा कैसे, ये कौन सा प्रोटीन खा रहा है बॉस, ये जिसको इतना वृद्धि हो रहा है, हमारा वृद्धि नहीं हो पा रहा है। पौधे वृद्धि करते हैं और इसलिए वो जीवित है, बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो सजीव है। ठीक है, हाँ जी, कुछ तो प्रमाण है ना, कुछ तो प्रमाण है ना कि हाँ जी ये कल से छोटा था आज बढ़ रहा है, कुछ तो कर रहा होगा ना। पानी देते हैं ना, बिना पानी के मरता है, मतलब पानी पीता होगा ना, वो कैसे पीता होगा बाद की विषय है, पानी पीता होगा ना। प्रकाश की तरफ बढ़ता है, प्रकाश की तरफ जाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण जैसी कोई अभिक्रिया करता होगा ना, कैसे करता होगा वो बाद का पॉइंट है, लेकिन करता होगा। तो पौधे भी जीवित हैं, मोटा मोटा पॉइंट समझिए, अभी पौधे जीवित हैं, ठीक बात है, आगे बढ़े। अब हम प्रमाण अगर मान लें कि सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर हम कुछ गतियों पर विचार करते हैं, तो अगर हम ये माने कि गतियां जरूरी है क्या, मूवमेंट होना जरूरी है क्या, पौधा तो अपनी जगह से नहीं हिलता, मैं तो इधर से इधर, इधर से इधर हो गया, पौधा तो नहीं हुआ, क्या जीवित नहीं है? है जीवित, ऊपर तो हिलता है ना, पत्तियां तो हिलती है ना, पत्तियां खुद को थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेती हैं, उसके अंदर पानी तो हिलता है ना, मिट्टी से उतने ऊपर जाता है, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट तो उसमें भी हो रहा है, तो जीवित है, पौधा जीवित है। अब अगर वृद्धि संबंधित जो गतियां अन्य हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती, जैसे अगर एक, वैसे एक बात बताऊं, पौधे जो है ना जीवन भर वृद्धि करते, पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते, पौधे कभी वृद्धि को रोकते नहीं है, पर एक बार पौधा बड़ा हो जाता है ना, जैसे मान लो अब गांव के आसपास देखना, कुछ बहुत पुराने पौधे होंगे ना, तुमको लगेगा ये 20-25 साल से उतना ही बड़ा है, पर वो कहीं ना कहीं चौड़ाई में, एक समय तक लंबाई में बढ़ता है, फिर चौड़ाई में बढ़ता है, हर साल पौधा अपनी चौड़ाई बढ़ाता है, आपको पता है, हर साल उसकी चौड़ाई साल गिना जा सकता है उसके तने से, तो पौधा चौड़ाई में बढ़ रहा होता है, वृद्धि कर रहा होता है, पर हमको दिखता नहीं, तो हम कहेंगे कि यार वो तो दिख नहीं रहा है हमको, तो तुमको नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ, वृद्धि नहीं है, तुमको तो यहां से सूरज भी नहीं दिख रहा है, या मान लो चांद भी नहीं दिख रहा है, तो क्या चांद नहीं है, तारे दिख रहे हैं तो क्या तारा तारा ही होता है, ऐसी गलत बात है ना। तो इसलिए कुछ की वृद्धि परिलक्षित नहीं होती, परंतु हम उसे कहेंगे कि हाँ जी वो जीवित है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं पर जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वे भी सजीव हैं। अब ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें गति नहीं दिखाई दे रही है तुम्हें, कौन से ऐसे जीव हैं जो सांस ले रहे हैं पर गति नहीं दिखाई दे रही है तुम्हें? बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे मान लो किसी को कोई कोमा वगैरह में हो गया, ठीक है, तो कोमा में हल्की हल्की सांस, वो हल्का हल्का पॉइंट उसके दिमाग में सांस हल्की सी जाती है, नहीं तो वो मरना क्या होता, समझ रहे हो, कोमा में जो है वो जिंदा है कि मरा हुआ, तुम बताओ मुझे। अगर कोई इंसान कोमा में है फिर भी हल्की सांस वो लेता है बिना ऑक्सीजन के, नहीं तो मर जाता, उसे ऑक्सीजन देना पड़ता है, उसके शरीर में अभिक्रियाएं हो रही हैं तभी वो जिंदा है, अदरवाइज वो मर गया होता, उसका अभी हार्ट जो है ना थोड़ा बहुत काम कर रहा है, नहीं तो मर जाता। तो कुछ लोग गति नहीं करते। अब जस्ट एग्जांपल के लिए कि अगर कोई बूढ़ा हो गया, वो अपना इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पा रहा, पैरालाइज्ड हो गया, एकदम पड़ा हुआ है ऐसा, तो क्या वो मर गया है? नहीं, जिंदा है ना व्यक्ति। तो इसलिए याद रखना कि कई लोगों में ऐसी गति नहीं होती लेकिन वो भी सजीव है। तो दिखाई देने वाली गति जीवन के लक्षणों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये पॉइंट आता है यहां से इंपॉर्टेंट, ये कंक्लूजन निकल कर आया पूरे टॉपिक का कि बॉस हम लोगों को चीखते चिल्लाते घूमते उठते बैठते हम देखते हैं, पर गति और वृद्धि ये जरूरी नहीं है कि हमें दिखाई दे। तो ये लाइन एनसीईआरटी की आखिरी पॉइंट आती है और ये पूरा पॉइंट आपके हिसाब से समझना चाहिए कि हमारे पास जो गति है एवं वृद्धि, गति एवं वृद्धि ये जीवन का
मुख्य गुण नहीं है, जीवन का परिभाषित गुण नहीं है, जीवन को परिभाषित नहीं कर सकते, जीवन के लिए पर्याप्त लक्षण नहीं है, जीवन के लिए पर्याप्त लक्षण नहीं है। ये लाइन आपको लिखनी है, पूरे पर्याप्त लक्षण नहीं है, पर्याप्त लक्षण नहीं है, ये एनसीईआरटी का अभी तक का कंक्लूजन निकल कर आता है, पर्याप्त लक्षण नहीं है, ये चीज आप अभी लिख सकते हैं इसको। ठीक ठीक बात है, और रीजन बाकी तुम्हारे सब दिमाग में बैठा हुआ है, क्यों यार बता देना, हाँ क्यों 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 नहीं हो रही है गति, प्लांट में गति नहीं दिख रही है मेरे को, मैं क्या मानू, क्या जीवित नहीं है, है वृद्धि नहीं दिख रही है मुझे प्लांट में, तो क्या करूं, अरे मैं भी तो हो गया ना यार, अभी 5 फुट 11 इंच का हूं, इसके ऊपर नहीं बढ़ रहा हूं मैं, तो क्या मैं इंसान नहीं हूं, मैं जीवित नहीं हूं, हूं ना, वही बात है। तो ठीक है यार, मान लिए, 2 पैराग्राफ डन, खत्म, क्लियर है, कमेंट सेक्शन पे बता दो, यस सर वी गॉट इट, हमने बात को समझ लिया है, 2 बातें खत्म है हमारी। तीसरे बिंदु पे आते हैं, अब कुछ और विषयों पे एनसीईआरटी कहती है कि कुछ गति ऐसी होती है जैसे बड़ी सूक्ष्म होती है, जैसे आपको पता है मैंने केमिस्ट्री में एक बार 12th में पढ़ा था, मुझे खास कर याद नहीं है, केमिस्ट्री भूल जाता हूं मैं, कि इसके अंदर जो पदार्थ है ना वो लगातार गति कर रहे हैं, मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, पर कर रहे हैं, ये पदार्थ जो हैं लगातार गति कर रहे हैं, इसके अंदर के जो पदार्थ हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं लेकिन गति कर रहे हैं, वाइब्रेशन होता है पदार्थों के अंदर के जो अणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फलाना ढिमकाना क्या क्या होते हैं वो सब गति करते रहते हैं भाई साहब, ये अदृश्य गति है, यह आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है, इस आणविक गति को जीवन के लिए आवश्यकता है कि नहीं आप मुझे बताओ, बहुत जरूरी है हमारे शरीर में, ये यहां पर मुझे लग रहा है जब से मैं पैदा हुआ हूं मेरी स्किन ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर पदार्थ पे लगातार कभी पिगमेंट बनता है, कभी टूटता है, कभी धूप में चले जाता है काला हो जाता है, फिर थोड़ा मुल्तानी मिट्टी पोत लो तो गोरा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, कुछ गतियां ऐसी भी है जो जरूरी दिखती नहीं है पर होती है, और ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, आप जब से पैदा हुए सब ऐसे ही हो, आपका शरीर ऐसे ही बढ़ गया, आपके दांत ऐसे ही बढ़ रहे हैं, आपके बाल ऐसे ही बढ़ रहे हैं, कभी लगा कि ये गति हो रही है बालों में, लेकिन होती है ना, देखो कुछ दिन पहले मैंने बाल कटवाए थे तो बढ़िया अच्छा खासा दिख रहा था, देखो अब कहां कहां बिखर गया है, चारों तरफ बियर्ड्स बढ़ गई है मेरी, दिखा क्या मुझे, नहीं दिखा, लेकिन गति हो रही है, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक बात है, तो अगर इसी प्रकार का प्रश्न हम किसी व्यवसायी जीव विज्ञान से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा, मेरे बोलने से पहले ही कह दिया, मेरे बोलने से पहले ही कह दिया, क्योंकि मैं भी तो व्यवसायी जीव वैज्ञानिक ही हूं, मैं भी तो बायोलॉजिस्ट ही हूं, आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो मैंने कहा हां जरूरी है बाबू, इसके बिना जीवन ना चलेगा, ये ना चल बे, समझे, चलना पड़ेगा, तो जब चला तो कैसे चला, तो वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति होती है। अब सोचो जिस कोरोना को लोग जो है ना मरा हुआ घोषित कर दिए थे, ये निर्जीव है यार, निर्जीव है वो कोरोना, हमारे शरीर में आया, हमको बीमारी फैलाया, अपनी संख्या बढ़ाया, कितनों को मार के चला गया, क्या ये बिना अभिक्रिया के पॉसिबल है, हमारे शरीर आया और उसने अभिक्रियाएं की, रिएक्शंस किए, तब जाके हमको मारा, तो जब वो हमको मारा तो हमने कहा कि भैया ये हमको मार रहा है, तो कोशिका को संक्रमित नहीं करते, वो बीमारी नहीं होती, इसलिए माना जाता है कि वास्तव में ये सजीव है कि नहीं, तुम बताओ। अब यहां पर एक कंक्लूजन, यहां पर आंसर आज हम लिखेंगे और सारे बच्चों को आज इसका आंसर देकर जाएंगे कि लोग मानते हैं कि वायरस जो है विषाणु वो ना निर्जीव है पूरी तरह से और ना ही सजीव है, तुम्हें क्या लगता है सजीव है कि निर्जीव है, तो प्रश्न ऐसा है कि वायरस जो आंसर यहां पे मैं बता रहा हूं, ये आंसर नहीं, आंसर एक्चुअली इसका मैं आंसर आपको बताता हूं और ये सारी बात आज के बाद आप दिमाग में रखेंगे कि जो विषाणु है, विषाणु हमारे शरीर में आ रहा है, हमारे लिए टारगेट है, हम जो है परपोषी है उसके लिए, वो हमारे शरीर में आ रहा है ना, तो विषाणु परपोषी,
परपोषी, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं मनुष्य, ठीक है, वो हमारे मनुष्य के शरीर में आने वाला है। मनुष्य के शरीर के बाहर, एग्जांपल है ये, है ना, परपोषी मनुष्य के शरीर के बाहर, मनुष्य, बस मैंने ब्रैकेट में इसलिए ली, मनुष्य नहीं, वायरस प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है, वायरस और लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है, इवन बैक्टीरिया को भी मारता है वो, तो वायरस ऐसा चीज है, बड़ा खतरनाक है भाई। सो वायरस जो है शरीर के बाहर निर्जीव होता है, ये बात आप याद रखना, निर्जीव होता है। जब तक वो हमारे शरीर के बाहर है तब तक वो निर्जीव है, तब तक वो निर्जीव होता है, वह अपनी अभिक्रियाएं नहीं कर सकता, वह अपनी कोई अभिक्रिया नहीं कर सकता, अपनी कोई अभिक्रिया स्वयं संपन्न नहीं कर सकता। अब जब कोई अभिक्रिया स्वयं संपन्न नहीं कर सकता, संपन्न नहीं कर सकता, ठीक है, परंतु 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 जब वह परपोषी के शरीर में होता है, जब वह परपोषी मतलब जिसको टारगेट किया, जैसे हमारे शरीर में आ गया, परपोषी के शरीर में होता है, हमारे शरीर में है, प्लांट के शरीर में होता है, तो वह अपनी अभिक्रियाएं संपन्न करता है, तो अपनी अभिक्रिया करता है। तो इस लाइन से ये समझ में आया, मैं ज्यादा डिटेल पॉइंट बोलूंगा ना अगर, तो वो नीट लेवल का फालतू हो जाएगा। आपके लिए जरूरी ये है कि भैया वैसे तो नहीं कर सकता शरीर के बाहर, परंतु जब वो हमारे शरीर में होगा तो अपनी अभिक्रिया करता है हमारी ही मदद से, ठीक है, परपोषी के उपकरणों से, परपोषी के उत्पाद को उपयोग करके, उत्पाद को ही उपयोग करके, उपयोग करके, भैया हमको ही उपयोग किया, हमारे ही रसायनों को उपयोग किया, हमारे ही एंजाइमों को उपयोग किया, और किसके विरुद्ध किया, हमारे ही विरुद्ध कर दिया, ऐसी खतरनाक चीज है विषाणु। तो अब क्या मानोगे कि विषाणु जीवित है कि निर्जीव है, क्या बोलती है पब्लिक, जल्दी बोलो, विषाणु जीव और निर्जीव के बीच का लिंक है, इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा और मृत्यु के बीच का प्रमाण है विषाणु। तो जब तक हमारे शरीर के अंदर है वो हमारे शरीर में अभिक्रिया करता रहेगा, पर हमारे शरीर से बाहर गया, अच्छा ये कैसे उपयोग करता है, ट्वेल्थ का बड़ा डिटेल पार्ट है, वहां पर हम इसको इलेवेंथ में ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, पर अभी यहां पर इतना जानिए कि वो हमारे शरीर में अभिक्रिया करता है। तो ये याद रखना, इसी कारण से हम इसमें विवाद बना हुआ रहता कि वास्तव में जीवित है कि निर्जीव है। तो बहुत लोग कहते हैं है, और बहुत लोग कहते हैं निर्जीव है, पर मेरे जैसे बायोलॉजिस्ट से पूछोगे तो कह देंगे दोनों है जी, दोनों। तो तुम्हारा भी आंसर आज के बाद होना चाहिए कि दोनों होना चाहिए, ठीक बात है, मान लिए, मान लिया, मान लिया, मान लिया, तुमने भी मान लिया, आप बात को समझ लो, अगले विषय पे पहुंचे। तो देखते हैं बॉस, तो क्या जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक? अगर तुम ये कह रहे हो कि हाँ हाँ आवश्यक तो है, अगर तुम कह रहे हो कि तुम आवश्यक तो है, तो क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है आणविक गतियां, क्यों जरूरी है? अब अगर मैं कहूं कि जो तुम खाना खाते हो तुम्हारे लार में एक एंजाइम है जो अभिक्रिया करता है, तब जाके तुम्हारे पेट में खाना पचता है, तो तुम मानोगे? मानोगे ही, गलत थोड़ी बोल रहा हूं, मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा, होता है रासायनिक अभिक्रिया हो। ऐसे ही हमारा शरीर भी कैसे बना, हम क्या पैदा हुए तो इतने बड़े थे भाई साहब, एकदम सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर की स्पर्म और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवा, इत्तू से थे हम, पूरे विश्व के जितने भी इंसान हैं वो कोशिका बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई, और आज देखो इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, ये कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम हुआ है, तभी इतना बड़ा चीज बना है। तो वही हम देखते हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, सेल होते हैं, कोशिका मिल मिलकर उतक बनाती है, उतक मिल मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिल मिलकर तंत्र बनाते हैं, तब तंत्र मिलकर हम बनते हैं। तो हमारा शरीर छोटे छोटी चीजों को मिलाकर ही बना है, वही चीज कह रहे हैं कि भैया सुसंगठित शरीर से बना है,
उतक होते हैं, उतक में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में घटक होते हैं, और वो घटक कौन होगा? रसायन। वो घटक में क्या होगा? रसायन होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, होगा ना? यही सुसंगठित संरचना जो बनी हुई है, सुव्यवस्थित संरचना, समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होती है, बनती है, टूटती भी है, बनती भी है और टूटती भी है। ये संरचनाएं बनती भी हैं और टूटती भी हैं। यही कार्यक्रम है। हमारा पूरा शरीर लगातार बन रहा है, लगातार टूटता है, और जब हम इसको टूटने लग जाते हैं, अब हमारी कोशिकाएं हैं लगातार बनती जा रही हैं, 60-70 साल के बाद क्यों नहीं बनती? आज ये जो चेहरे पे थोड़ा बहुत ग्लो है, क्या 60 साल के बाद रहेगा? झुर्रियां आ जाएंगी, तब हमारा शरीर काम क्यों नहीं करेगा? तब मैं ऐसा क्यों नहीं खड़ा हो पाऊंगा, ऐसे लगातार हिलता रहूंगा बुजुर्गों की तरह? मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा जल्दी जल्दी, धीरे धीरे जुबान हकलाने लग जाएगी। रीजन बिहाइंड इट, हमारा जी कोशिकाओं के अंदर का घटक है वो विघटित होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा भाई साहब। और जब वो टूटने लग जाएगा, जब वो टूटने लग जाएगा, हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो असल में हमारा पूरा शरीर अंग से नहीं, तंत्र से नहीं, उतक से नहीं, कोशिकाओं से नहीं, उसके अंदर के अंगक से भी नहीं, उसके अंदर के जो घटक है, जो पदार्थ है, जो रसायन है, उनकी अभिक्रियाओं का परिणाम है हम। वो ना रसायन होते और ना आज हम होते। वो रसायन अभिक्रिया करते हैं तो अंगक बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम बनते हैं। वो अभिक्रिया करते हैं तो कोशिका बनती है, कोशिका बन बनकर उतक बनते हैं, उतक मिल मिलकर अंग बनते हैं, अंग मिल मिलकर तंत्र बनता है, और तंत्र मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो हमारा शरीर आज काम कर रहा है, इसके पीछे रीजन है कि वो उतक काम, वो घटक काम कर रहे हैं, वो पदार्थ काम कर रहे हैं। एक समय के बाद वो पदार्थ के एंजाइम या कुछ ना कुछ खत्म हो जाता है, वो पदार्थ विघटित होने लग जाते हैं, और हम कहेंगे कि भैया परलोक गमन हो गया बबुआ का। वही कहानी है कि अगर विघटित होती है, जिस दिन यह व्यवस्था टूटती है, तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जिस दिन यह व्यवस्था टूटी, इन पदार्थों के बनने की व्यवस्था टूटी, उस दिन व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। और यही जीवन काल है कि मेरा जीवन 60 साल तक चलेगा, तो मान लो 60 साल तक ये पदार्थ काम करेंगे। किसी का 100 साल काम करता है, बरगद का 100 साल काम करता है, मच्छर का 2 दिन काम करता है, वायरस पैदा होते ही मर जाते होंगे। यही कार्यक्रम होता है। सबका अपना अपना जीवन है, सबके अपने अपने रसायन है, अतः हमारे शरीर को फटाफट मरम्मत की जरूरत है। मेरे कोशिका बन भी रहे हैं, टूट भी रही हैं, फिर से बन जा रही हैं। मुझे एक्सीडेंट होगा, यहां पर यहां हाथ से कोशिकाएं गई, वापस आ गई, तो मैं जीवित हूं। जिस दिन ये मरम्मत प्रॉपर नहीं हो पाएगी, उस दिन हम मरेंगे। मरम्मत होनी चाहिए तथा अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस होना चाहिए, और वापस चीजें वैसी बनती रहनी चाहिए। अगर ये सब कुछ बनता रहेगा, तो ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। ये रीजन है कि हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप से अणुओं की जो गति है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, वो पॉसिबल होना ही चाहिए। नहीं होगा, मर जाएंगे बबुआ। तो जिंदा होना जरूरी है, तो अणुओं की गति होनी जरूरी है। समझो इस बात को, अपने जीवन को सोच के देखो तुम, कि जो आज तुम यहां पर खड़े हो, या फिर मेरे जैसा इंसान जो यहां पर खड़ा होकर बोल रहा है, असल में मेरे अंदर के मॉलिक्यूल्स, जो पदार्थ हैं, जो केमिकल्स हैं, वो लगातार बन टूट रहे हैं, और टूटने से ज्यादा बन रहे हैं, मैं जीवित हूं। ज्यादा टूट गए, मैं टूट लूंगा भैया, समझे? तो ये है जीवन का प्रमाण। आगे ऐसी बढ़ती है, इस तरीके से होती है। अब सवाल आता है कि अगर कोई जीवित है, तो जीवन के लिए क्या चाहिए? मरम्मत और अनुरक्षण, मेंटेनेंस चाहिए हमको जीवन के लिए।
हमको जीवन के लिए मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, मेंटेनेंस हो रहा है, तो मेंटेनेंस करवाने के लिए कौन सी अभिक्रियाएं हो रही, यही इस चैप्टर की जान है। अभी तक मैंने आपको इंट्रो पढ़ाया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जीवन के लिए गति जरूरी, वृद्धि जरूरी, और उसके लिए अणुओं की गति जरूरी, और अणुओं की गति के द्वारा ही हम जीवित हैं। तो ये कौन है मरम्मत, किस चिड़िया का नाम है, कैसे होता है ये मरम्मत, कैसे होता है ये अणु हमारे शरीर में आते कहां से हैं। लोग कहते हैं मुझे ऊर्जा चाहिए तो खाना खाना पड़ेगा। मैं खाने में क्या खाता हूं, रोटी सब्जी दाल चावल, इसमें ऐसा कौन सा अमृत है जो मुझे जिंदा रखे हुआ है। मैं जब यूरिन रिलीज करता हूं उसमें क्या ऐसा होता है कि मैं उसको इतना बाहर फेंक दे जा रहा हूं। मैं जब सांस छोड़ रहा हूं तो ये कहां से आ रहा है, सांस ले रहा हूं तो कहां से जा रहा है, मेरे शरीर के अंदर की अभिक्रियाएं कैसी हो रही हैं, और आखिर चोट लगा तो वो कोशिका आई कैसे, यही तो मरम्मत और अनुरक्षण है। समझे, यही तो मरम्मत और अनुरक्षण है। और ये जो होता है मरम्मत और अनुरक्षण, यही हमारे जीवन का मुख्य रूप है, इसी को इस चैप्टर में पढ़ना है। सो होप सो आपको ये इंट्रो बहुत वेल नोन समझ में आया होगा, और आप एक दार्शनिक के तौर पर समझ पा रहे होंगे कि इसका मैंने क्या मतलब बताया। इस बीच में दो तीन प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे विषाणु जीवित हैं या निर्जीव हैं, अणुओं की गति हमारे जीवन के लिए जरूरी है या नहीं है, और आप किसी निर्जीव और जीव के बीच में कैसे अंतर कर पाएंगे, ये तीन प्रश्न है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को दो मिनट पॉज कर लीजिए, और पुरानी पॉइंट तीन मैंने जो प्रश्न कहे उसको लिख लो, और उसका आंसर लिखने की कोशिश अपने शब्दों में करो। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो आप इसके तीन पॉइंट जरूर बना लोगे, मुझे उसमें कोई शंका नहीं है कि आप उसे जरूर बना ही लेंगे। अगले विषय पे आते, ठीक है भाई, तो मैंने कह दिया कि ठीक है यार अणु होना चाहिए तो जीवित है, तो मैं जीवित हूं तो मुझे जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वही बात है, व्हाट इज जैव प्रक्रम, ये है क्या जी बायो प्रोसेस, मुझे जिंदा हूं तो जिंदा रहने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करनी जरूरी है, वो प्रक्रियाओं का नाम बोलो, नाम बोलो। तो वही कहानी अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई आगे आते हैं। तो जीवों का अनुरक्षण निरंतर होना चाहिए, अनुरक्षण मेंटेनेंस, ठीक है, हम ये जो करते हैं वो मेंटेनेंस करते हैं, तो ये मेंटेनेंस होना बड़ा जरूरी है भाई। गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं होगा गाड़ी खराब हो जाएगी, बराबर ग्रीस ऑयल तेल पेट्रोल सब चाहिए। हमारा शरीर भी एक मशीनरी ही है, उसको भी बराबर टाइम टाइम से सब चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। जब उस समय भी चलता है जब कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हो, तुम तो बैठे हुए देख भर रहे हो ना, सो भी जाते हो तब भी चलता है, जब तुम सो रहे होते हो तब भी अभिक्रिया होती है, जब तुम जाग रहे होते हो तब भी अभिक्रिया हो रही होती है, यह काम हमेशा चलता रहना चाहिए। अगर मेंटेनेंस हमारे शरीर का नहीं चला, परलोक सिधार गए बंधु, परलोक सिधार गए, तो यह बात क्लियर है कि हमारे शरीर में मेंटेनेंस चलता रहना चाहिए। और अभी कक्षा में बैठे हो, मुझे देख रहे हो, खा पी गए पड़े हो, बेहतरीन सुकून है, मजा है, फिर भी चाहिए मेंटेनेंस, होता है तुम्हारे शरीर में भी मेंटेनेंस हो रहा है, बन रहा है, ये मेंटेनेंस जो काम चलता रहना चाहिए, वे सभी प्रक्रम जो समृद्ध रूप से आपका मेंटेनेंस करवा रहे हैं जैव प्रक्रम है। सो व्हाट इज बायो प्रोसेस, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताना, जीवन के लिए अनुरक्षण आवश्यक है, और अनुरक्षण के लिए हमें जितनी भी प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता है अनुरक्षण कहलाता है, करने के लिए करना पड़ता है, जैव प्रोसेस कहलाता है, बायो प्रोसेस कहलाता है। सारे बच्चे समझ गए, हमें जिंदा रहने के लिए मेंटेनेंस जरूरी है, और मेंटेनेंस करने के लिए जितनी अभिक्रियाएं मुझे करनी, अब बताओ मुझे एक बार, करो एक काम, सोचो कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी, छोड़ो बायोलॉजी एलर्जी छोड़ो, समझो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें जिंदा के लिए क्या जरूरी है। क्या गुरुजी मोबाइल बहुत जरूरी है, मर जाएंगे मोबाइल के बिना, और गुरुजी लाइट होना बहुत जरूरी है, पंखा बहुत गर्मी लगता है, हाँ? और किसी से पूछे, अरे बड़े भाई मतलब ना एसी लगना चाहिए, यही जीवन के लिए जरूरी है क्या, क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है क्या जरूरी है, तो कोई कहते नहीं गुरुजी वो नहीं मिली तो मर जाएंगे, ऐसा भी होता है क्या, बताओ क्या होता होगा, सोचो
क्या होगा अगर ऐसा, जिंदगी के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए एक जिंदगी के लिए, एक जिंदगी के लिए। देखो यार, अगर सीधा सीधा बात किया जाए, मजाक वजाक हटा के, तो हमारे लिए जिंदगी के लिए जरूरी क्या है पता है? खाना, ठीक है, अपने लिए सोचो ना यार, बाकी छोड़ो बैक्टीरिया एक्टीरिया, सबको यही चाहिए खाना। जब खाना खा लिए, पोषण जिसे कहते हैं, खा लिए, अब खाना खा लिए तो ऊर्जा ऊर्जा तो मिल ही गई, बढ़िया, ठीक है, ये पहला काम हो गया। अब उसकी अभिक्रिया करने के लिए श्वसन, सांस लेना बहुत जरूरी है, ये भी किसी लिए जरूरी है, ठीक है। उत्सर्जन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा चीज जो बन रहा है अंत में बनेगा वेस्ट मटेरियल, उसको निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन सबके गति के लिए हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होना बहुत जरूरी है, ये भी मान लिए। तो यही चार पांच चीजें चाहिए, और क्या। आपकी जिंदगी के लिए आपको पोषण चाहिए, आपको श्वसन चाहिए, आपको उत्सर्जन चाहिए, आपको परिसंचरण चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। भैया तुम्हारा जो खाना है वो शरीर में कैसे जाएगा? रक्त से। तुम्हारी जो सांस है वो शरीर में कैसे जाएगी? रक्त से। तुम्हारा जो यूरिन निकलेगा वो शरीर से कैसे मूवमेंट करके जाएगा? रक्त से। सब जरूरी है। तो यही सारी प्रक्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। तो हमारे शरीर की जितनी भी क्षति होगी, टूट फूट होगी, ये सारा कुछ इन्हीं सब चीजों से मिलता है। यार मेरे शरीर में कोई चीज कैसे जाएगी? एक बात बताओ, मेरा शरीर प्रोटीन से बना, ये प्रोटीन कहां से आया? भोजन से। आपने देखा होगा कुछ बच्चे दुबले पतले से बेचारे होते हैं, उनको कहते हैं खाया करो, शरीर बनेगा, बादाम खाओ, दूध पियो, घी पियो, दंड मारो, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? तुम्हारा पूरा शरीर जो बना है वो जो तुम खाते हो उसी से बनता है। तो वो शरीर में तुम्हारे तभी गया, तभी बनेगा, वैसे ही है। तो वो जो तुम खाए हो वो शरीर में गया, उसके बाद हजारों अभिक्रियाएं हुई और उनसे तुम्हारा शरीर बनता है। तो याद रखना, क्षति टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण की प्रक्रिया आवश्यक है। हमारे शरीर में जो कुछ भी टूटता फूटता रहता है, इन सबको हमको बनाने के लिए मेंटेनेंस चाहिए। तो क्या ऐसे फ्री में होगा मेंटेनेंस? मजाक है मेंटेनेंस। ऊर्जा चाहिए, पैसा, जैसे हमको पैसा चाहिए होता है ना, इसको ऊर्जा चाहिए होता है, एनर्जी, एटीपी कहां से मिलती? भोजन से। वो तो बाहर से आती है। एटीपी तो हमारे शरीर में मतलब बनी है, वो उसका स्रोत क्या है? भोजन। समझे? बुझे कि ना बुझे जी, खाए ना बाहर से, बाहरी से ना खाना खाएंगे, तो बाहर से हमारे शरीर में, बाहर से ऊर्जा आनी चाहिए। तो ऊर्जा का स्रोत बाहर से जीव के शरीर में आता है, इसके लिए भी कौन उपक्रम चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए जी? ऐसी भोजन ले लें, निगल लें डायरेक्टली? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो तरीका चाहिए ना भैया, भोजन कैसे जाएगा? दांत है, जीभ है, मुंह है, पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तब जाके मटेरियल बाहर निकलता है। ये सब लगा ना मुझे, ये प्रक्रम हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो जब हमें भोजन मिलता है, अच्छा उंगली से खाया मैंने, ठीक है, तो जब मैंने भोजन खाया तो ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने वाले प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। ये दो चीजें। अनुरक्षण करने के लिए हमें पोषण चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन को लेने के लिए हमें पोषण लेना पड़ेगा, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, और लेने के लिए एक पूरा तंत्र लगता है बबुआ, तंत्र लगता है। चाहे तुम हो चाहे मच्छर, उसको भी डंक चाहिए, समझे, मक्खी हो उसको भी गंदगी में बैठना पड़ता है। सबका अपना भोजन निर्धारित है, पौधे को भी भोजन चाहिए, सबका अपना भोजन निर्धारित है, बिना उसके कोई ना चलता है, सबको ऊर्जा चाहिए, सबको भोजन चाहिए। तो इसके लिए हमें, इसी से हमारा शरीर बढ़ता है, तो इसके लिए चाहिएगा, ओवरऑल चाहिए ऊर्जा हमको। अब लेकिन जो पदार्थ ले रहे हैं वो सबका अलग अलग है। जैसे मैं देखो शाकाहारी खा रहा हूं, कोई मांसाहारी खा रहा होगा, कोई केकड़ा खा रहा है, कोई केचुआ खा रहा है, कोई पौधों को खा रहा है, कोई जो है किसी भी जानवर को खा ले रहा है, कोई मल खाता है, कोई नाली में रहता है, सबका खाना अलग, कोई कंकड़ खाता है, कोई कुछ खाता है, सबका खाना अलग अलग है। तो सबके पास जो भोजन के अलावा बाहर से सामग्री आती है वो सबकी अलग अलग है। कुछ लोग, जो हमारा शरीर है, जो पूरा जीवन है, वो कार्बन के अणुओं पर आधारित है। जो पूरा जीवन दुनिया में जो लोग भी हैं वो सब कुछ ना कुछ पदार्थ खा, तो चाहे तुम मछली खाओ, चाहे तुम कुछ खाओ, चाहे कुछ भी खा लो, सब में कुछ पदार्थ हैं, वो भी कार्बन के बने हुए। बताऊं कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, नाम सुना है, यही सबको चाहिए होता है।
दुनिया में तुम हो, मैं हूं, जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, गेंडा हो, दुनिया में चाहे कोई भी हो, जो भी खा रहा है उसमें यही सब पदार्थ होते हैं, कार्बन के बने हुए पदार्थ हैं, और उनके आधार पर जीवन में अलग अलग प्रकार की चीजें खा रहे हैं। पर असल में जो कार्बनिक पदार्थ है, आप यहां पे लिख लेना, जो कार्बनिक पदार्थ है इनके पास में, वो पदार्थ खा रहे हैं बस। जैसे तुम खाते हो, तुमसे कोई बोले क्या खाए हो आज, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो तुम रोटी खाए, तुमने असल में स्टार्च खाया है। मुख्य रूप से रोटी तो नाम है, अंदर स्टार्च था, वो स्टार्च को तुमने खाया है, वो तुम्हारे शरीर में जाकर अभिक्रिया करके ऊर्जा देगा, ठीक है। अगर कोई पत्ती खा रहा है तो सेलुलोज और स्टार्च खा रहा है। अगर कोई मांस खा रहा है तो उसमें फैट और प्रोटीन होगा, वो खा रहा है। अंडा खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है। दाल खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो। तो तुम एक काम करो कि आज तुम जो भी खाए हो इस क्लास देखने से पहले, तो तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे खाने में क्या क्या है। सोचो, जो भी खाया है तुमने, चावल खाया, दाल खाया, भिंडी की सब्जी खाई, पालक सब्जी खाई, गूगल कर लेना क्लास के बाद और पता लगाना कि तुम्हारे खाने में असल में ये ही पदार्थ थे। तो खाने के लिए तुम कुछ भी खाओ, पर अंततः चाहे दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, उसमें यही सब प्रोटीन, वसा, वसा, विटामिन, विटामिन, यही सब है, और इसी को खाना जरूरी है। यही हमारे खाने का मुख्य स्रोत है, हम खाने में यही खा रहे हैं और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? हम जो खाना खा रहे हैं, हम इसी चीज में खाना खा रहे हैं। तो अब बात कुछ ऐसी है कि जो जैसा खाना खाएगा, जो जैसा खाना खाएगा, जिसकी जितनी जटिलता होगी उसके पास वैसा शरीर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा जटिल पदार्थ होता है, उसको तोड़ने में हमारे शरीर का बड़ा अंग लगता है, तो हमारा शरीर बड़ा होता है, हमारा पेट लंबी, आंतें बड़ी बड़ी होती हैं। कुछ जीव हैं जो सरलता से बाहर से खा लेते हैं, उनको बड़ा शरीर नहीं चाहिए। तो सबका अपना भोजन है, वैसे ही उनका प्रक्रम है, वैसा ही उनका तंत्र है, यही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये लाइन आखिरी जो लिखी हुई ना, वही है कि कार्बन के स्रोत की जटिलता के अनुसार कोई ग्लूकोज ही खा लेता है, कोई फ्रुक्टोज खा रहा है, और हम क्या खाते हैं, ग्लूकोज का स्टार्च, बड़ा बड़ा पदार्थ। स्टार्च मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पॉलीमर है, बहुलक है, और कुछ लोग छोटा पदार्थ खाते हैं। तो जो छोटी छोटी जटिलता वाले खाते हैं उनका शरीर छोटा होता है, और जितना जटिल पदार्थ आप खाते जाओगे उतना बड़ा शरीर होगा, उतनी बड़े बड़े अंग होंगे, और उतने बड़े बड़े अंग के लिए अलग अलग तरीका चाहिए। जैसे यहां पर एनसीईआरटी क्या लिखी हुई है, इसको समझना कि चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में तो नहीं है कि तुम चाहो कि नहीं 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 मेरे तरह ना आज सबका होना चाहिए, तुम्हारे मर्जी का है क्या, नहीं भैया। तो ये ऊर्जा के बाह्य स्रोत जो है, जो खाना के लिए हम खाते हैं, वो सबका अलग अलग हो सकता है, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। तो जब शरीर अलग अलग प्रकार का है तो अंदर ऊर्जा के स्रोत का विघटन और निर्माण की आवश्यकता होती है, समझ रहे हो? मतलब जो चीज खाओगे तो यार ऐसा है ना कि हर चीज की अभिक्रियाएं करनी पड़ती हैं, ग्लूकोज को भी तोड़ना पड़ता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तब वो वाटर बनता है, टूटता है, उसका विघटन करना पड़ता है, और उसको तोड़ के ही हमें ऊर्जा एटीपी मिलती है। तो यहां पर भी वैसे ही है, जैसा पदार्थ वैसे अंदर लो, फिर उसको तोड़ो, उससे ऊर्जा मिलेगी तुमको। तो ये जो पदार्थ है वो सबका अलग अलग होता है, तो ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित होने चाहिए। ये जो एक समान बात है, इसे अंत में हम एटीपी या ग्लूकोज के फॉर्म में समझ सकते हैं कि अंत में चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे तुम हो, चाहे वो डायनासोर रहा हो, या दुनिया का कोई भी जीव रहा हो, अंत में सबको एटीपी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, चाहे वो पौधे हो, चाहे तुम हो, मैं हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, भैंस हो, सबका काम यही है कि कुछ भी खाओ, वो सेलुलोज से पाचन करते हैं गाय भैंस, हम स्टार्च से करते हैं, किसी को सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, किसी को लैक्टोज चाहिए, सबका पदार्थ अलग अलग है, जिसे हम बड़ी बड़ी क्लासेस में समझते रहेंगे, ठीक है भाई। यह विभिन्न प्रकार की आणविक गतियों के लिए, यह अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की, आणविक गति मतलब समझ रहे हो ना, पदार्थों की रासायनिक गतियां के लिए भिन्न भिन्न जीव अनुरक्षण और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। जो सब में अंत में चाहिए ऊर्जा एटीपी,
वो हर जीव में, हर जीव की आवश्यकता है। जीव में एक क्वालिटी समान है, खाओगे कुछ भी ऊर्जा तुमको एक टाइप की ही मिलती है, चाहे वो कोई भी हो। सबकी जो प्रक्रिया है अनुरक्षण मतलब समय मरम्मत की जो प्रक्रिया है वो सबकी जो है निर्माण में उपयोगी, सबको वैसा ही चाहिए। तो इसके लिए सबके अंदर एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जिन्हें आप बड़ी क्लास में 11th में जाकर पढ़ेंगे कि कैसे हम जो ग्लूकोज खाते हैं वो कैसे टूटता है, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, कैसे वाटर में बदलता है। तो ऐसी बहुत बड़ी अभिक्रिया होती है, बड़ी जटिल शारीरिक रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और उसके बाद जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। भाई साहब एक बड़ी श्रृंखला है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए कि ग्लूकोज था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया और निकल लिए। प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश आया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया और ग्लूकोज बन गया। इतना आसान नहीं है, ये सब 20, 30, 40, 50 पदों में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। ये दिखाया शॉर्टकट में जाता है, बहुत बड़ी बड़ी अभिक्रियाएं हैं। तो ये सारी एक श्रृंखला के तौर पर चलती हैं कि पहले ये उसमें बदलेगा, वो उसमें बदलेगा, फिर वो उसमें बदलेगा, फिर वो उसमें बदलेगा, तब जाके ये पूरी प्रक्रिया हो पाती है, जिसे हम उपचयन या अपचयन कहते हैं कि या तो बनेगा या तो टूटेगा। और टूट के आखिरी में अभिक्रियाएं जो बन के निकलेंगी, अणु टूटता जाएगा, विघटन होता जाएगा और कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां अपनाई जाएंगी। आखिरी में उसको तोड़ तोड़ के सब में एक सामान्य अभिक्रिया। मैं मजे की बात बताऊं, आप जैसे ग्लूकोज का उपयोग करते हो वैसे पौधे भी करते हैं। इस दुनिया की सारी कोशिकाएं उसका वैसा ही उपयोग करती हैं, वैसे ही एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ना, फिर उसे पायरुविक एसिड में बदलना, फिर किसी और रूप में बदलना, तब जाके ऊर्जा मिलना, यह सब में सामान्य है भाई साहब, सब में सामान्य है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे शरीर जो जीव हैं वो बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब यहां पर एक नई बात निकल कर आई कि जो आप खाना खा रहे हो उससे डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिली, उसको तोड़ने के लिए लगभग 99.99% जो ऑक्सीकृत जीव है। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक वायवी और एक अवायवी। जो वायवी हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की नीड है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या करते हैं हम ऑक्सीजन का, पता है फेफड़े में क्या गुम जाता है ऑक्सीजन? नहीं, वो हमारी कोशिकाओं में जाएगा, वहां जाके ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है। वही ऊर्जा वाली अभिक्रिया, उसी ऊर्जा वाली अभिक्रिया को तोड़ने में ऑक्सीजन मदद करता है। तो कई लोगों को इस अभिक्रियाओं को करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो भोजन से के पोषण से ही जुड़ा हुआ है श्वसन, समझ गए? भोजन के पोषण से जुड़ा हुआ है श्वसन। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक ऊर्जा वैसी नहीं बनेगी, तो ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन को ग्रहण करना है यार, तो भोजन वाली कहानी अभी खत्म हुई नहीं थी कि अब हमको ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहां से आएगा? श्वसन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें विघटन के लिए उसका श्वसन करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन लेना पड़ता है, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसे तोड़ते हैं, छोटे छोटे भागों में बदलते हैं और इस प्रक्रिया का नाम है श्वसन, रिस्पायरेशन इसे हम कहते हैं। कि जो भी हम खाना खाए उसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ा, हमने रासायनिक रूप से ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाई। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होती है, पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जहां तुमको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो कम ऊर्जा मिलेगी। आपने ये फील किया होगा कि जब आप दौड़ रहे होते हो तो अचानक से, जब तेज से सांस लेते हो तो अचानक से आप थक जाते हो, क्यों? ऑक्सीजन अगर नहीं आया तो ऊर्जा कम मिलेगी और आप थक जाओगे, लेकिन ऑक्सीजन रहेगा तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगी और आप थकोगे नहीं। तो इसलिए सांस लेना हमारे लिए बहुत जबरदस्त चीज हो जाती है। तो इस चीज को करने के लिए भोजन खाना जरूरी है, गैस लेना बहुत जरूरी है। अब जब कुछ बनेगा तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा उपयोग ही हो जाएगा, कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा भैया, है ना बात? कि जब तुम कुछ खाए, तुमने उसका ब्रेकडाउन किया, तो जरूरी है सारा का सारा पदार्थ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ खराब भी होगा, उसको निकालना भी बहुत जरूरी है।
जरूरी है अच्छे पदार्थ बनेंगे, कुछ तो प्रोडक्ट निकलेगा। भैया जूस निकालते हो, पूरे जूस के बाद कुछ तो छिलका बचता होगा। वैसे ही हमारे शरीर में भी कुछ अनावश्यक पदार्थ हो गए जो हमारे लिए शरीर में काम के नहीं है, उसको शरीर से बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो कितनी प्रक्रिया हो गई, पहली प्रक्रिया भोजन लेना, दूसरा उसके बाद उसको तोड़ना, फिर तोड़ने के बाद उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब श्वसन करना पड़ेगा, फिर तीसरा कार्यक्रम वेस्ट निकलेंगे उसको बाहर निकालना मतलब उत्सर्जन करना। पर भाई साहब इसके अलावा जब शरीर में इन सब पदार्थों का आवागमन होगा, ऑक्सीजन मेरे फेफड़े से इधर कैसे जाएगा, इस कोशिका में अगर अभिक्रिया की ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो कैसे जाएगा, खून से जाएगा, तो हमें परिसंचरण की भी जरूरत होती है। इसी को बायोप्रोसेस कहते हैं। यही जैविक प्रक्रियाएं हैं कि तुम्हारे शरीर को चलने के लिए ऐसे ऐसे तंत्र की आवश्यकता, एक भोजन लेने वाला, एक ऑक्सीजन लेने वाला, एक पदार्थों को निकालने वाला और एक पदार्थ को इधर से उधर, उधर से इधर ले जाने वाला। समझे भाई साहब? तो ये प्रक्रिया है। तो जब कोई कोशिका, एक एक कोशिका जीव की पूरी तरह से पर्यावरण के संपर्क में रहती है, पर्यावरण के किसी न किसी तरह से संपर्क में है, तो इनको भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, जो वज्र पदार्थ मतलब बचा हुआ पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए किसी किसी को विशेष अंग की आवश्यकता है, और जिसका पूरा शरीर पर्यावरण से है उसको आवश्यकता नहीं है। जस्ट मान लो कोई एक ही कोशिका है तो उसको सांस लेना भी है तो कोशिका थोड़ा सा खोला, बाहर से ऑक्सीजन ले लिया। उसको पोषण लेने का, कोशिका को थोड़ा सा खोला, बाहर से भोजन ले लिया। वज्र पदार्थ है, बाहर निकाल दिया, तो वो तो एक एक कोशिका है। तो जिसका शरीर छोटा है उसने ये सारे कार्यक्रम डायरेक्ट पर्यावरण से कर लिया, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि अमीबा होता है, पैरामीशियम होते हैं, इनको अगर भोजन खाना है तो इतना बड़ा शरीर नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट पर्यावरण से लेते जाते 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 रहते हैं। पर जिनका शरीर लेकिन जब जीव शरीर का आकार बढ़ता है, जिनका शरीर बड़ा है उनकी अभिव्यक्ति अधिक जटिल हो जाती है, उनको ज्यादा बड़ा काम करना पड़ता है। अब इसी छोटी सी अभिक्रिया को जिसको अमीबा डायरेक्ट पर्यावरण से कर लेता है, क्योंकि वो कहता है ना, पर्यावरण क्या कहता है अमीबा, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरी कोशिकाएं भी छोटी है, वो वक्त है बाजीराव सिंघम वाला डायलॉग नहीं हुआ, मेरी जरूरतें है कम इसलिए मेरा नाम है सिंघम, वैसे ये भी अमीबा, मेरी जरूरतें ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं एक कोशिका है तो मेरे को ऑक्सीजन लेने के लिए भी ज्यादा बड़ा सिस्टम नहीं चाहिए, निकालने के लिए भी नहीं चाहिए, भोजन लेने के लिए भी नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारा शरीर का क्या होगा बाबू, तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, तो जब तुम्हारा शरीर बड़ा है तो तुमको बड़ा बड़ा शरीर अंग चाहिए। तो हर तो कोशिका नहीं है, मैं इधर से तो ऑक्सीजन नहीं लेता है, मैं इधर से तो पोषण नहीं लेता है, हमारी हर एक कोशिका नहीं काम करती, पर्यावरण से डायरेक्टली संपर्क में नहीं है, मेरा दिल, मेरा किडनी, मेरा पांव नहीं है संपर्क में डायरेक्ट पर्यावरण से, तो वहां तक पहुंचाऊं कैसे ऑक्सीजन को, बोलो वहां तक कैसे पहुंचाऊं। तब उनके लिए जब आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में हम नहीं है तो हमें सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, ऐसे तब ये सीधा सीधा कार्यक्रम नहीं चल पाएगा, ये ना छोलबे, ये बिल्कुल ना चलेगा। तब क्या करेंगे, तंत्र बनाएंगे कि हर कोशिका में पहुंचने के लिए ऑक्सीजन भी पहुंचे, भोजन भी पहुंचे, अंदर का पदार्थ बाहर भी निकले। पर इसके लिए हम ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जिनमें एक कोशिका है तो तुमसे पूछा जाए कि जो एक कोशिकीय जीव हैं वो, उनको क्यों जरूरत नहीं है तुम्हारे छोटी आंत बड़ी आंत इनकी, फेफड़े की क्यों जरूरत नहीं, खून की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक कोशिका है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है पर्यावरण से। पर तुम बड़े हो, बहुकोशिकीय हो, तो तुम्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार के विशिष्टीकृत अंग पाए जाने चाहिए, तुम्हें चाहिए, इसलिए अंग लगेगा तुमको, तुम्हें फेफड़ा लगेगा, तुम्हें आंत लगेंगे, तुम्हारे पेट लगेंगे, दांत लगेगा, क्योंकि तुम बहुकोशिकीय जीव हो, और जो एक कोशिकीय है वो डायरेक्टली ले लेते हैं।
सो जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनको ये सब लगेगा, तो उनको फिर अंग लगेगा, फिर उनसे संगठन बनेगा, कोशिका से उतक बनेगा, उतक से अंग बनेगा, अंग से तंत्र बनेगा, जिसकी जैसी जरूरत। अगर तुम्हारा काम उतक बनाने से चल रहा होता है, जैसे प्लांट का चल जाता है, तो वो उतक बना लेते हैं। कुछ लोग तंत्र अंग बनाते हैं, कुछ लोग तंत्र बनाते हैं। हम तंत्र का अंग तंत्र बनाकर काम चलाते हैं। हम प्रकृति की बनाई हुई सबसे जटिल संरचना है मनुष्य। जो बड़े बड़े जीव जो तुम आज देख रहे हो ये सबसे जटिल संरचना है। बाकी छोटे छोटे जीवों को देखो, वो अपना काम वैसे ही चले, किसी के पास खून भी नहीं होता। केंचुआ के पास जाके देखना, अच्छे से खून नहीं होता। और छोटे जानवर हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है, पौधों को उसकी जरूरत नहीं है, पर हमें बड़ा बड़ा तंत्र चाहिए। जैसे पौधों को फेफड़ा क्यों नहीं चाहिए, उनकी हर कोशिका ऑक्सीजन आदान प्रदान करती है, नहीं चाहिए उनको, हमको चाहिए, क्योंकि हमारी हर कोशिका आदान प्रदान नहीं करती। यहां से गैस अंदर बाहर नहीं जाती है, यहां से ग्लूकोज अंदर बाहर नहीं जाता, इसलिए हमें अंग चाहिए, जबकि पौधों को या फिर छोटे छोटे जीव जानवरों को नहीं चाहिए होता है। तो हमें अलग अलग अंग चाहिए। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन और ऑक्सीजन को लेने के लिए हमें विशेष प्रकार के ऊतक होने चाहिए, विशेष प्रकार के ऊतक। अब हम कुछ ऐसे ऊतक बनाएंगे जो केवल भोजन लेगा, अब कुछ हम ऐसे ऊतक बनाएंगे जो सिर्फ ऑक्सीजन लेगा, कुछ ऐसे ऊतक बनाएंगे जो सिर्फ पदार्थों को बाहर करेगा, कुछ ऐसे ऊतक बनाएंगे जो सिर्फ आवागमन करेगा। सबका अपना अलग अलग काम करेंगे। तो यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशेष अंगों द्वारा ही होगा, हर अंग तो नहीं करेंगे भाई, हर अंग तो नहीं करेगा, कुछ अंग ही करेंगे। तो वहां तक पहुंचाऊं कैसे? तो वहां तक पहुंचाने के लिए भोजन को, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए नया तंत्र की जरूरत, वहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र चाहिए। समझ रहे हो ना, लाइन समझ रहे हो ना, जरूरत क्यों पड़ रही है सब चीजों की? तुम सवाल पूछोगे कि भैया कहानी तो तुम भोजन से शुरू किए थे, अब भोजन बताते बताते श्वसन भी डाल दिए बीच में, श्वसन बताते बताते तुम उत्सर्जन तंत्र भी डाल दिए बीच में, और उसके बाद अब वहन तंत्र। ओ माय गॉड, टू मच कॉम्प्लेक्सिटीज, मेरे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं जाएंगी, कितना कठिन है ये, ऐसा लगता है ना। लेकिन ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा शरीर बड़ा है तो भोजन लेने भर से काम नहीं चलेगा, उसे पचाना भी पड़ेगा, तो पाचन तंत्र लगेगा। फिर पच गया, कोशिकाओं में चला गया, उसे तोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगेगा, फिर उससे वज्र पदार्थ भी निकलेंगे वेस्ट, तो उत्सर्जन तंत्र भी लगेगा। अब चूंकि सांस तो फेफड़ा ना लिया है, तो यहां पर ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? यहां पर ग्लूकोज तो खाए तुम पेट में ना हो, तो पेट से ग्लूकोज यहां कैसे जाएगा? हाथ में, यहां भी तो काम हो रहा है ना, तो क्या लगेगा? वहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त लगेगा, समझे? तो इसके लिए फिर ये तंत्र लगे। तुम सोच के देखो कि ये सारे तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक बात है। अब अलग अलग प्रकार के कार्बन स्रोत हैं, सबने अलग अलग रासायनिक पदार्थ से कार्बन स्रोत खाया, ऑक्सीजन का उपयोग किया, ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया, ऊर्जा भी मिल गई। तब ऐसे भी पदार्थ हैं जो कोशिकाओं के लिए ना केवल अनुपयोगी हैं बल्कि हानिकारक भी हैं, जैसे यूरिया। हमारे शरीर में जो यूरिया बनता है वो हमारे लिए हानिकारक भी है, तो हानिकारक भी हो सकता। अभिक्रियाओं से कुछ ऐसे पदार्थ भी बने जैसे अनुपयोगी, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा मल बनता है, तो हमको फीकस बना के मल बना के शरीर से निकालते हैं ना, मल को वो निकाल दिए। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो जहरीला भी है, जैसे यूरिया। मल एक बार उपयोगी नहीं है, लेकिन उतना जहरीला नहीं होता मल, लेकिन यूरिया बहुत जहरीला है, तो उसे बाहर भी निकालना है। तो जब हम उसको शरीर से बाहर निकालेंगे, उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। तो कितने तंत्र हो गए, कितनी प्रक्रियाएं हो गई? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, चार प्रक्रियाएं, और यही इस चैप्टर की जान है। मैं तुम्हें इसलिए शुरू से पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें जरूरत समझ में आए कि इतने सारे तंत्र की जरूरत है क्या भाई, क्यों? सबको जरूरत है, उत्सर्जन करने की जरूरत है। जब ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, मूल नियमों का पालन किया जाना है, पालन वही नियम है,
करना वही है लेकिन घुमा फिरा के, क्योंकि हमारा शरीर बड़ा है, समझे। तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा, धीरे धीरे वो ऊतक बनेंगे। इसके लिए हमें परिवहन तंत्र की आवश्यकता होगी, अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन ऊतक की पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी ताकि उसे हम उत्सर्जन भी कर सके। अब लंबा लंबा ऊतक चाहिए हमको, बहुत सारे ऊतक चाहिए। तो ये हमारे पॉइंट का पहला टॉपिक हुआ, पहला इंट्रो हुआ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि भैया हमको बहुत चीजों की जरूरत है। एक कोशिकी हुए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े हुए तो बहुत सारी चीजें हुई। अब आपको ये सब समझ में आया है अगर पूरी कहानी, तो आइए प्रश्न और इसके जवाब ज्यादा नहीं दो दो तीन तीन शब्दों, तीन तीन पॉइंट में लिखने की जरूरत है। सारे बच्चे कहते हैं सर लिखें कैसे, एग्जाम में नंबर कैसे मिलेगा। आपने कहानी टाइप का बता तो दिया लेकिन इसे एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो एग्जाम में लिखने का तरीका मैं बोलता है ना, अभी यहां पर बता रहा हूं, मैं बोलते जाऊंगा, फटाफट लिखते जाना। चलो भाई पहला प्रश्न, अब इसका जवाब जिन बच्चे ने बता दिया मतलब मेरी बात समझ में। पहला प्रश्न सुनो, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर बड़ा है और इतने बड़े शरीर में ऑक्सीजन हमारा हर एक कोशिका पर्यावरण से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं। पहला पॉइंट क्या हुआ, क्योंकि हम बहुकोशिकीय जीव हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, हमारी समस्त कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती हैं। तीसरी बात, हमारी हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सामान्य विसरण पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें ऊतक तंत्र की आवश्यकता होती है। गॉट माय पॉइंट, आंसर क्लियर, पक्की बात, शरीर बड़ा है हम सामान्यता से नहीं, हमको तंत्र लगेगा, लिख दिए। दूसरा पॉइंट का आंसर निकालना, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई जीव है तो हमें क्या पैसे पता चलेगा, अगर कोई जीव है तो उसके अंदर अभिक्रियाएं होनी चाहिए, पाचन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, उसके अंदर परिवहन होना चाहिए, उसके अंदर क्या बोलते हैं श्वसन होना चाहिए, ये मुख्य मापदंड है। उसके अंदर गतिशीलता ना भी हो तब भी चलेगा, उसके अंदर कुछ कुछ ना हो लेकिन अणु जरूर बदलने चाहिए, उसके अंदर अणुओं की गतिशीलता हो, रासायनिक बदलाव हो, मतलब वो जिंदा है। भले वो सो रहा हो, भले वो पड़ा हो, लेकिन वो पोषण, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, ये श्वसन करेगा ही करेगा, चाहे वो इत्तू सजीव हो चाहे उत्ता सजीव हो, लेकिन करेगा ही करेगा। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कच्ची सामग्री मतलब भोजन, कच्ची सामग्री मतलब भोजन। तो तुम चार पांच जीवों के बारे में बताओ, जैसे मैं कच्चा सामग्री मैं क्या खाया, स्टार्च खाया हूं, आलू का सब्जी खाया है मैंने आज तो स्टार्च खाया हूं, रोटी खाया हूं स्टार्च खाया हूं, दाल खाया हूं प्रोटीन खाया हूं, खाया ना। गाय लोग चारा चरती है सेल्यूलोज खाती, समझे, मैंने कहा था ना अपने खाने का हिसाब निकालो, ये वही हिसाब पूछ रहा है, समझे। बैक्टीरिया क्या खाता है, लैक्टोज खाता है। ऐसे ही चार पांच जीवों के बारे में पता लगाओ, कोई जैसे शेर है, शेर क्या खा रहा है, वसा प्रोटीन वो खा रहा है, समझे। तो वो सबकी अपनी अपनी जरूरत है, सब कोई अपना अपना खा रहे हैं। चौथी बात है, जीवन के अनुसरण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जीवन में अनुरक्षण मतलब होता है मरम्मत के लिए आपको क्या चाहिए, लिखो चार पॉइंट, पोषण चाहिए, ठीक है, उत्सर्जन चाहिए, श्वसन चाहिए, परिवहन चाहिए, यही चार चीजों की जरूरत है हमारे शरीर की मरम्मत करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और अगर ये चार आंसर बनाए मतलब दिमाग में भेजे में चढ़ते जा रहा है जी, हम सारी बात पढ़ते जा रहे हैं और इसके आंसर भी लिख लिख के दे दूंगा मैं तुम्हें, तो पहले समझ तो लो मेरी पहली वाली बातें। अगर ये समझ में आ गया तो तुम इसको लिख भी लोगे, कोई बड़ा लोड नहीं है। पहले सीखना सीखो, सीखो कि कैसे पढ़ी जाती है एनसीईआरटी, अब इसमें एक एक पॉइंट डिटेल कैसे किया जाएगा। ये चैप्टर इतना ही है, बस इन्हीं चार बातों को समझना है, कभी खुद में कभी पौधों में, और इन्हीं तंत्र को हम अगर धीरे धीरे समझते चलेंगे तो हमारी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और हम
देखो डिटेल तो देने के लिए ऐसा है यार कि मैं ट्वेल्थ वालों को पढ़ाता हूँ, नीट वालों को पढ़ाता हूँ, तो असीमित डिटेल दे सकता हूँ तुम्हें, समझ रहे हो। पर हमें जरूरत है टू द पॉइंट अपने सिलेबस के अंदर की चीजों को पढ़ने का। तो अब हम इन्हीं चार तंत्र के विषय पे बात करेंगे, पूरे चैप्टर की जान यही है, और इन विषयों पे जान गए तो इसको कर डाला तो लाइक झिंगा लाला बोर्ड टॉपर हो गए बाबू तुम। पहला चैप्टर बायोलॉजी का कुछ ऐसे समझेंगे हम, तो पहला पार्ट आ गया, स्टार्ट करें ठीक है, कमेंट करके बताना अभी तक की बातें समझ में आई, आंसर लिख लोगे हाँ या ना, सारी बातें क्लियर। तो पहला टॉपिक प्रारंभ किया जाए, पोषण भोजन। सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, मैं तुम्हें छोटे से लेकर बड़े तक का बताऊंगा, फिर आखिरी में मनुष्य के तो अपन डिटेल ही कर लेंगे ठीक है। तो शुरू करें, पक्की बात, बहुत सुंदर बात है ठीक है भाई। टहलते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं, तो क्या चाहिए हमको? ऊर्जा चाहिए। हमें हर काम के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। हम उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं तब भी हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए। मैं शांत खड़ा हुआ हूं, तुम चुपचाप बैठे हुए हो, नहीं साइकिल चला रहे हो, सो ही क्यों नहीं रहे हो, तब भी तुम्हारे शरीर में मरम्मत चलती रहती है। और जब ये मरम्मत चलती रहती है तो तुम्हें उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो तुम्हारा शरीर, तुम सो भले रहे हो, तुम्हारा शरीर वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है। जब हम बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा का स्रोत है जो हम खाते हैं। तुमने कभी सोचा हम कच्ची लकड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं, हम पत्ते क्यों नहीं खा रहे हैं बेवजह के, हम ये बाकी जानवरों की तरह हिरण को कच्चा कच्चा क्यों नहीं खा रहे हैं? क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि हमारा भोजन हमारे ऊर्जा का स्रोत है। असल में जो कोई भी जो भोजन खा रहा होता है ना, वो उसकी ऊर्जा का स्रोत होता है। कभी हमें दया आती है, अरे अरे शेर कैसा निर्दयी आदमी है, बताइए इतनी अच्छी सुंदर हिरण दौड़ रही है, मार के खा गया। हम कभी कभी सोचते हैं ये अजगर कितना निर्दयी व्यक्ति है, बताइए डायरेक्टली जाके खा गया। कुछ मनुष्य कितने निर्दयी हैं, जाके जिंदा मुर्गा को मार के खा के खा जाते हैं। नहीं भैया, जिसमें तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत हो उसको खाना मेरे हिसाब से कोई बुरी चीज नहीं है ठीक है। मतलब जो तुम्हारा ऊर्जा का स्रोत हो, हाँ अनावश्यक चीज मत खा लो यार, कि अब तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम कुछ भी खाए जा रहे हो। जो तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है, जो तुम्हें आवश्यक है, वो तुम्हारा भोजन होगा, उसे तुम्हें खाना चाहिए। अब खाएंगे तो खाएंगे कैसे? तुम एक काम कर ही लो, एक बार सोच के देखो कि जो भी तुम सुबह से शाम तक खा रहे हो, जैसे मान लो आज किसी ने, मैं तीन चार सवाल बोलता हूं तुम्हें, तुम सोच के देखना इसको ठीक है। जैसे तुमने पालक खाया, तो मुझे सोच के बताओ कि पालक में तुम्हारे भोजन के ऊर्जा के लिए क्या क्या रहा होगा, तुम मुझे खुद की कॉपी में या फिर कमेंट सेक्शन पे मुझे बता देना। या फिर मान लो किसी व्यक्ति ने आलू का पराठा खाया, तो किससे किससे बनता होगा आलू का पराठा? गेहूं, आलू, थोड़ा सा तेल लगा होगा, बटर और नमक डला होगा ठीक है, और कुछ डला होगा? धनिया। बिना धनिया के आलू का पराठा मजा नहीं आएगा। अच्छा, आलू पराठा किसके साथ खाना पसंद करोगे? अचार। तो चलो, जो अचार के साथ खाएगा वो अचार की क्वालिटी बताएगा, और जो दही के साथ खाएगा वो दही के, मुझे तो दही के साथ बहुत पसंद है, तो मैं दही के साथ पूछूंगा आपसे। मुझे इसका कमेंट में आंसर बताओ कि एक आदमी जिसने आलू का पराठा खाया, उसने अपने खाने में कौन कौन से ऊर्जा के स्रोतों को खाया, बताओ कमेंट सेक्शन ठीक है भाई। चलो बढ़िया है, अब सवाल है उसे खाना है तो सबके लिए मुंह नहीं होता, सबके पास दांत नहीं होते, सब लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। जैसे मान लो एक कवक है, कवक को सुना ना तुमने, कवक है वो कैसे खा रहा है? पौधे के पास तो दांत नहीं है फिर भी वो कैसे खा रहा है? या फिर बैक्टीरिया, उसके पास तो दांत मुंह कुछ नहीं है, इतनू सा है, वो कैसे भोजन को खाएगा? अरे जाएगा कैसे उसके शरीर में, कुछ तो तरीका होगा। तो वही चीज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो जितने भी सजीव हैं वो अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे अंदर डालते हैं, ये सवाल है। सब में अलग अलग प्रकार का होगा। तो सभी जीव ऊर्जा और पदार्थ की आवश्यकता सबकी समान है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब में ऊर्जा और पदार्थ सामान्य आवश्यकता है, एकदम सामान्य। सबको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, यही सब चाहिए, यही सब चाहिए। लेकिन इसका जो सोर्स है, आपूर्ति है, वो अलग अलग जगह से होती है, सबकी अलग अलग जगह से होती है। जैसे कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से, अब अकार्बनिक स्रोत क्या होता है आपको पता है? अकार्बनिक स्रोत का मतलब होता है जैसे
फॉस्फेट हो गया, सल्फर हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी अकार्बनिक स्रोत, मतलब कार्बनिक पदार्थ तो बड़े पदार्थ होते हैं ना, अकार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, वो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। उन्हीं से अपना कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। पहले उसको प्राप्त कर लिए, ठीक है। फिर ये जीव स्वपोषी हो, क्या मुझे आप बता सकते हो इस दुनिया में स्वपोषी कौन है? कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है? सोचो कौन है वो जीव, सोचो। अरे भैया पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कौन लेता है? पौधे। जो बना बनाया नहीं लिए हैं, वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, वाटर लिए और उससे अपना पदार्थ खुद बनाए और खुद उपयोग किए। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा प्राप्त कर गई, ना 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 ना, कार्बन डाइऑक्साइड से उनको ऊर्जा नहीं मिली, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लिए और खुद ग्लूकोज बनाए और फिर खुद तोड़े और फिर उनको ऊर्जा मिली है। तो ये भैया खुद बनाए ना, इनका ग्लूकोज ये खुद बना रहे हैं कि नहीं, इसलिए स्वपोषी। तो तुम कहोगे क्या हम क्या विषम पोषी है, हमारा खाना क्या कोई और बनाने आता है? हां जी, तुम पौधों के खाने को लेकर आते हो। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा तो मेरी मम्मी बना के खिलाती है, मैं भी स्वपोषी हूं। नहीं नहीं, मैं खुद बना के खाता हूं, मैगी खुद बना लेता हूं, मतलब मैं भी स्वपोषी हूं। नहीं भाई, तुम स्वपोषी नहीं हो, तुम किसी के और के पदार्थों को खाते हो, किसी और ने बनाया है। पौधे हैं वो, पौधे हैं वो, उसको खाया है तुमने। पौधा ओवरऑल तुम पौधों को ही खा रहे हो, क्योंकि तुम मुर्गी भी खा रहे हो, तो मुर्गी भी कहीं ना कहीं से पौधे पर डिपेंड है, तुम भी किसी ना किसी तरह से पौधे पर डिपेंड हो। तो दुनिया में केवल एकमात्र जीव है जो अपना भोजन खुद बनाता है, वो होते हैं पौधे, स्वपोषी कहते हैं, जिनमें हम सभी हरे पौधे और कुछ कुछ जीवाणु बस हैं। कुछ जीवाणुओं में बताऊं, नाम बोलता हूं, अगर आपको पता हो तो बताओ, इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इनको कहा जाता है नील हरित शैवाल। ये हैं बैक्टीरिया, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करना जानते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो कौन है इस दुनिया में जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना, प्रश्न बन सकता है, कौन है इस दुनिया में जो अपना अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है? स्वपोषी हरे पौधे और जीवाणु, ना भूलना, क्योंकि हरे पौधे तो सबको पता है, जीवाणु लोग भूल जाते हैं। तो वो कौन सा जीवाणु है, अपनी कॉपी में लिख लेना, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल है ये जीवाणु, लेकिन प्रकाश संश्लेषी होता है। बहुत बढ़िया। बाकी लोग जो हैं जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, बाकी लोग जो हैं वो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब जटिल पदार्थ जैसे कि हम लोग हो गए, वैसी बाकी दुनिया के जितने भी जीव हैं, बाकी सब जटिल पदार्थों को खाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे। जब उसको खाएंगे तो धीरे धीरे उस पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं एक शॉर्टकट एग्जांपल बताता हूं, एक होता है स्टार्च, जो तुम्हारे आलू में होता है, आपको पता है ये बहुलक है, बहुत बड़ा होता है, इसको हम तोड़ते हैं। तो स्टार्च जब टूटता है ना, तो कन्वर्ट होता है माल्टोज में। अब तुम कहोगे कि यार इतना कठिन मत बताओ, मैं सिर्फ ऐसी कहानी बता रहा हूँ, सुन लो बस। माल्टोज थोड़ा छोटा होता है, फिर माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, इसीलिए कभी ग्लूकोज में बदलेगा, समझे, ऐसे बदलता है। इसलिए कभी थोड़ी देर तक आलू को चबा के देखना मुंह में, थोड़ी देर के बाद आलू मीठा लगने लग जाता है। सूखी रोटी को थोड़ी देर तक ब्रेड को चबा के देखना, मीठा लगने लग जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपका स्टार्च जो रोटी में था, वो थोड़ी देर के बाद आपके मुंह में टूटता है, माल्टोज बनाता है और ये थोड़ा सा मीठा होता है, और थोड़ी देर बाद वो ग्लूकोज बनाता है आपके आहार नाल वगैरह में जाने के बाद। तो ऐसे ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, वो सबसे छोटा है, और हम इसको उपयोग करते हैं छोटका वाले का। बड़का चीज हमारे शरीर में नहीं जा पाती, तो हमें उसे तोड़ना पड़ता है, और जब ये तोड़ना पड़ता है ताकि ये जीव समारक्षण और वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, ताकि अब ये जीव इस पदार्थ को, जो ग्रोथ हो रही है, जो सुरक्षा हो रही है, उसको बचा रख सके, उसको कर सके, और इससे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। अब ये क्या है? तो क्या लगता है कि तुम्हारा ये जो स्टार्च अपने मर्जी से माल्टोज में टूटेगा? मुंह में चबाने के बाद ही क्यों टूटा? रखे रखे टूट जाता फिर तो, है ना? सवाल क्या बोला मैंने? तुम जब स्टार्च को चबाए ना, तब ना माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। तो मजे की बात ये है कि तुम्हारे लार में एक एंजाइम होता है,
बोलोगे अब ये क्या गजब बात बता रहे हो, एंजाइम ऐसे जैव उत्प्रेरक है जो अभिक्रियाओं को कराने के लिए जाने जाते हैं। ये तुम सोच के देखो ना यार, इतनी सारी अभिक्रियाएं कि अपने मर्जी से बस चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। कभी कभी तुम खाना खाते हो, तुम्हारा खाना तुरंत पच जाएगा, तुरंत पेट भर लगेगा कि फिर से खा ले, और कभी कभी खाओगे तो पेट भारी भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन एंजाइम ने अपना काम कर दिया, खाना फटाफट पच जाएगा, और जिस दिन एंजाइम ने काम नहीं किया, खाना नहीं पचेगा। वही काम यहां पे भी है कि बॉस ये सारी अभिक्रियाएं टूट रही हैं, जो तुम स्टार्च खाए, ज्यादातर तुम स्टार्च ही खाते हो, स्टार्च खाए वो माल्टोज में बदला, माल्टोज ग्लूकोज में बदला, तो क्या मजाक चल रहा है अपने आप बदलेगा? नहीं भैया, एंजाइम लगेंगे। मैं एक एग्जांपल बताऊं तुम्हें, जैसे अगर तुमको माल्टोज को तोड़ना है ना, तो तुम्हें यहां पर एंजाइम लगता है, नाम होता है उसका माल्टेज, इसका नाम होता है, ये तुम हल्का सा याद रख लेना, बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा याद रख लेना, चैप्टर के आगे काम आएगा, माल्टेज है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना होता है, स्टार्च जो हमारे पास में आता है उसको तोड़ने के लिए हमें यहां पर लगता है ये इन्वर्टेज, ठीक है, हमें यहां पर इन्वर्टेज लगता है, और भी बहुत सारे एंजाइम लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टार्च है इसको माल्टोज में तोड़ना है, ठीक है, तोड़ना है, तो इसके लिए भी एंजाइम लगता है, उसको सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज लगेगा, इन्वर्टेज लगेगा, ऐसे एंजाइम लगते हैं, समझे बात को। तो इस तरीके से हमारे पास में एंजाइम्स होते हैं और वो धीरे 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 पदार्थ को तोड़ते जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे तोड़ते, जैसे इसको तोड़ने के लिए टाइलिन लगता है, टाइलिन, टाइलिन नाम होता है इसका, ये हमारी लार में होता है, टाइलिन एंजाइम का नाम है, तोड़ता है इसको, ठीक है। सुक्रेज, ठीक है, एंजाइम का नाम है, सुक्रो जैसे आप वो लैक्टोज खा रहे हो, लैक्टेज एंजाइम का नाम है, पेप्सिन एंजाइम के नाम है। तो ये सब एंजाइम धीरे धीरे पदार्थों को तोड़ते हैं और उन्हीं को हम तोड़ तोड़ के अपना छोटा छोटा पदार्थ बनाते जाते हैं, और जैसे जैसे छोटा छोटा होता जाएगा हम उसका उपयोग करते चले जाएंगे। अगली कहानी, अब चूंकि हमने अपना भोजन किसी और के बनाए हुए पदार्थों को हम खाते हैं, अतः हम लोग विषम पोषी हैं, और ये उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर आधारित होते हैं। तो चाहे दुनिया का कोई भी जीव हो, जैसे तुम शेर को कहोगे, शेर क्या खा रहा है? मांस खा रहा है, वो तो स्वपोषी को नहीं खा रहा है, लेकिन हिरण किसको खा रही है? स्वपोषी। तो हिरण ने अपना पोषण बनाया पौधे से, पौधे के पोषण को हिरण खाई, हिरण को खा गया शेर, तो ओवरऑल वो पोषण आ कहां से रहा? हिरण ने बनाया था क्या? नहीं, वो बनाया था किसने? वो बनाया था पौधे ने। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये सारी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कई बार एनसीईआरटी में जब नाम मिलेगा तुम्हें ना, तो ये टाइलिन की जगह एक और नाम लिखा रहता है, तो वो भी लिख लेना, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, इसे एमाइलेज भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम, एमाइलेज टाइलिन, दोनों नाम हैं, ये अलग अलग जगह आपको दिखाई देगा, आगे टॉपिक में है भी, जिसे मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है भाई। तो ये सारे एंजाइम जो हमें लगते हैं वो अभिक्रिया कराते हैं और हम विषम पोषी कहलाते हैं, तो हम विषम पोषी हैं। और इसी प्रकार के जितने भी जंतु हैं और कवक हैं, इस प्रकार विषम पोषी होते, जितने भी जंतु हैं और जितने भी कवक हैं वो विषमपोषी हैं। तो दुनिया में कितने लोगों के बारे में पता चल गया तुमको? जंतु के बारे में पता चल गया, विषमपोषी है। कवक क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, और हमारा प्लांट स्वपोषी है। कुछ जीवाणु स्वपोषी और कुछ जीवाणु विषमपोषी हैं। ऐसी ये कहानी आगे बढ़ती है और ऐसी ही चीजों को हमें समझना पड़ता है, समझ आ रही बॉस? तो भोजन जो हम खा रहे हैं वो हम हमारी अपनी प्रकृति के आधार पर, दुनिया में दो लोग हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। जो स्वपोषी हैं अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं वो स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। इस तरीके से कहानी आगे बनती है, ठीक बात, बात समझ में आई? ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जो स्वपोषी है वो अपना भोजन बनाता कैसे? प्रकाश संश्लेषण से। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है? वृहद प्रक्रिया है, उसके विषय में अब हम यहां पर बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण आखिर कैसे होता है और क्या चीजें उसमें काम आती हैं।
तो ऐसे कहानी शुरू होती है एक स्वपोषी पोषण की, और हम उसी के विषय पे हमें डिटेल में जानना है कि वैसे बहुत ज्यादा डिटेल कुछ है नहीं, पर सिंपल सी पार्ट है कि यार जितने भी स्वपोषी हैं पहले इनके बारे में जान लेते हैं। सो मोटा मोटा अगर मैं कहानी बताऊं कि स्वपोषी करते क्या है, तो ये जो एनसीईआरटी ने पूरा लिख रखा है ना, इसको अगर हम सामान्य भाषा में पढ़े तो बॉस ये लोग यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में यूज करते हैं वाटर, इसको अभिक्रिया करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश में ऐसा क्या होता है वो बाद में समझेंगे, बड़ी क्लासेस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमको चाहिए क्लोरोफिल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक, है ना, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट चाहिए जिसे क्लोरोफिल हरित वर्णक कहते हैं, इसको लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित वर्णक, ये वर्णक चाहिए हमको, और ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा प्यारा सा ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज बनता है, साथ में आपको पता है ऑक्सीजन रिलीज हुई, हालांकि ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बहुत बड़ी अभिक्रिया है, बहुत बड़ी रिएक्शन है, लेकिन हम इसे अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो ये इतनी ही चीज है। आइए एनसीईआरटी को समझने में मदद करते हैं। सो स्वपोषी जो जीव होते हैं वो कार्बन ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है जिसे अभी हम समझेंगे कि क्यों, कब, कहां, कैसे होती है, जिसमें स्वपोषी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है बाहर से और जल भी बाहर से लेता है। जल तो जमीन से आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से आ जाती है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में बदल देता है। आपके सामने वहां पर यह बात लिखी हुई है, और यही कार्बोहाइड्रेट बाद में इन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। वो भी कैसे करता है, यह भी एक बड़ी प्रक्रिया है जिसको हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है, एटीपी निकलती है और ऊर्जा हमें मिल जाती है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है तो क्या लगता है कि तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, नहीं बंधु ऐसा नहीं होता, ये जरूरत के हिसाब से स्टोर कर लेता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है ये अभी बना है ग्लूकोज, फिर ये इसे संग्रहण करेंगे कि यार अभी तो उपयोग हो नहीं रहा है तो बाद में उपयोग करेंगे, तो संग्रहण करेंगे स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में, और इसी स्टार्च को कभी कभी ये उपयोग करता है, और हमारा मन कर जाता है तो गेहूं को पीस के हम कभी हम ही खा लेते हैं। आलू को क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए आलू संग्रहित किया था स्टार्च है, आलू को क्या लगा था कि हम स्टार्च संग्रहित कर लेते हैं, हमारे बबुआ लोग खाएंगे फिर आलू का पराठा बना के, नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। ऐसा हुआ है यहां पर कि ये जो ग्लूकोज है इसको स्टार्च में बदला, अपने लिए बदला है, फिर हमने देख लिया अच्छा तुम अपने लिए स्टोर करके रखे हो, हमको नहीं दोगे तो हम उसको खा लेते हैं, यही है। तो वो फिर कार्बोहाइड्रेट तुरंत तो यूज होता नहीं है, जब तुरंत वो यूज होगा नहीं तो मंड, इसी को मंड, इसी को स्टार्च कहते हैं, यही जो स्टार्च है ना इसी को हिंदी में मंड कहा जाता है। सो मंड के रूप में संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और यही फिर आखिरी में आंतरिक ऊर्जा की तरह काम करेगा कि हमारे ये पास सेफ है बाबू ये, और इसे हम बाद में धीरे 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 यूज करते रहेंगे, जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम उसे यूज कर लेंगे। यही पॉइंट हमारे साथ भी है, लेकिन हम संग्रहित करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। तो क्या डिफरेंस हुआ, उनका ग्लूकोज उसने स्टार्च के रूप में स्टोर किया है और हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हमारा संग्रहित पदार्थ क्या है, ग्लाइकोजन हम स्टोर करके रखते हैं अपने शरीर में। क्या हम दिन भर खाना खाते रहते हैं, कुछ इंसान 3-4 दिन खाना नहीं खाते तब भी उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, उपास जो लोग रहते हैं उनके शरीर में ग्लाइकोजन होते हैं और ये ग्लाइकोजन स्टोर है। तो पौधों में कौन स्टोर है, स्टार्च, हम में कौन स्टोर है, ग्लाइकोजन। गॉट माई पॉइंट, आसान भाषा है। तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है हमारे शरीर में, ये बात हो गई हमारे पास में, हमने ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया है। अब ये डायग्राम तुम्हें देखना है, ये डायग्राम तुम्हें इसलिए दिखाना है और बनाना है कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता कहां है। तो देखो यार, अगर तुमसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण कहां होता है तो तुम कह देना पौधे के हरे भाग में। सामान्यतः ये पत्ती होती है, कभी कभार तना भी होता है, पर सामान्यतः ये पत्ती। तो पत्ती में क्यों, पत्ती में क्यों, पत्ती में ऐसा क्या है?
तो पता चलता है कि पत्ती तक जो है ना वहां पर उसका हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ये भी समझ गए। सो क्लोरोप्लास्ट में क्या है, हरित लवक में क्या है, तो पता चला उसके अंदर एक वर्णक है, नाम है हरित वर्णक, ठीक है, जिसका नाम क्लोरोफिल है, वो प्रकाश को ग्रहण करता है, बस यही बात है। तो आइए इस डायग्राम को समझते हैं भैया। ये पत्ती है, पत्ती के बीच में ये जो लाइन 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 आपने देखी होगी वो पता है क्या है, वो शीरिकाएं हैं, उसके अंदर जाइलम फ्लोयम होता है। अगर आप मुझे होशियार बच्चे लगते हैं वैसे आप मुझे, तो आप मुझे बताइएगा कि जाइलम जो चीज होती है उससे कौन जाता है, पानी ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोयम से भोजन। सो फ्लोयम से फूड और जाइलम से जल, याद रख लेना इसको, संग्रहण कर लिए हम इसको, जाइलम से जल फ्लोयम से फूड, ये आदान प्रदान होता है। तो यहां से क्या हो गया, फ्लोयम जाइलम का संवहन बंडल, संवहन मतलब ले जाने वाला, ठीक है, वो यहां पर बंडल है। अब ये पत्ती है, तो पत्ती थोड़ी मोटी सी होती है, भले तुम्हें ना दिखाई दे पर पत्ती में इधर से लेकर इधर तक की परत होती है। अब सवाल आता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पत्ती में है क्या, तो सवाल एकदम शॉर्टकट सा बनता है कि पत्ती की जो ऊपरी भाग होते हैं ना उनके पास, अरे यार बाह्य त्वचा होगी ना, तो ऊपर होती है ऊपरी बाह्य त्वचा, नीचे है निचली बाह्य त्वचा। बड़ी कक्षाओं में इनके अलग अलग नाम भी पढ़ेंगे आप, एडेक्सियल अबेक्सियल, पर अभी ऊपरी और निचली पढ़ लो, ठीक है। ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा में कभी कभी एक परत यहां पे लिखा हुआ है मोमी क्यूटिकल का है जी, ये सुरक्षा चाहिए ना, ये सुरक्षा चाहिए ना, तो सुरक्षा देने के लिए उसके पास थोड़ा सा मोम का बना हुआ, क्यूटिन का बना हुआ क्यूटिकल परत है। क्यूटिन एक केमिकल होता है, उसकी परत है, इसलिए इसका नाम क्यूटिकल परत है, जो ऊपर बनी हुई है, ठीक है। ऊपर से नीचे यहां से यहां तक का पूरा भाग है, इसे पर्ण मध्योतक कहते हैं, इसे कहा जाता है पर्ण मध्योतक, मतलब पर्ण का बीच का पूरा भाग। इस बीच वाले भाग में होते क्या है पता है, उतक, और इन उतक को बड़ी क्लासेस में पैरेन्काइमा कहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, तो है उतक है, और उस उतक के अंदर आप देख पा रहे हैं हरित लवक है, ये जो गोल 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 दिख रहा है ना, ये हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और वहां होती है प्रकाश की संश्लेषण की अभिक्रिया। तो तुमसे कोई सवाल पूछे कि प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, तो तुम बताना पहले पत्ती, पत्ती में कहां, पर्ण मध्योतक में कहां, उसके अंदर ये जो कोशिका है पर्ण मध्योतक की, उसके अंदर लिखना हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल होता है। बड़ी क्लासेस में आप ये भी पढ़ेंगे कि हरित लवक के अंदर भी कुछ होता है जिसे थायलेकोइड कहते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, उसके अंदर भी कुछ होता है, फिर उसके अंदर भी कुछ होता है, ऐसा ऐसा करते करते हम बहुत चीज पढ़ेंगे, पर आपके लिए उतना जानने की जरूरत नहीं है। ये जगह है खाली खाली जिसे वायु कोश कहते हैं, नीचे कहीं छिद्र सा दिख रहा है, इसे स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं, और इस रंध्र से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभार पानी भी आदान प्रदान होता रहता है। इसलिए कभी तुम कभी गर्मी के मौसम में पौधों के नीचे खड़े हो ना, तुम्हें ठंडा लगता है, रीजन बिहाइंड इट, पत्तियों से पानी निकलता है, और पानी जो निकलता है वो इसी द्वार कोशिका की रंध्र से निकलता है जिसे स्टोमेटा यानी रंध्र कहते हैं। ये कहानी हो गई। तो हमने प्रकाश संश्लेषण का मोटा मोटा हिसाब जान लिया। अगर आपसे ये डायग्राम नहीं बन रहे होंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं एक पूरी वीडियो आपके डायग्राम के लिए बना दूंगा, सिर्फ डायग्राम कैसे बनाएं वगैरह वगैरह, पर अभी आप इसे देख लीजिए क्योंकि वन शॉट है, तो हम इनको कम शब्दों में समझने की प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये बात हो गई हमारी, आगे बढ़े, अभिक्रिया के नाम पे हुआ क्या, तो आइए अभिक्रिया के नाम पे क्या हुआ, कितने केमिकल लगे। अच्छा, इसमें मैंने बैलेंस नहीं किया था, है ना, संख्या नहीं बैलेंस की थी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऑक्सीजन, तो हम उसकी बैलेंस रिएक्शन देख लेते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन कि पूरा बैलेंस होने के बाद केमिस्ट्री कैसे बैलेंस हो रही है। तो वैसे तो आप जान सकते हो, पर कोई बड़ी बात नहीं है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल लगते हैं, ऊपर में लगता है क्लोरोफिल जो प्रकाश को ग्रहण करता है, नीचे लगता है सूर्य का प्रकाश,
सूर्य का प्रकाश चाहिए। हालांकि कुछ लोग जो जीव है ना वो और भी प्रकार की लाइट से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, पर सूर्य का प्रकाश चाहिए हमको बना C6H12। इसे नाम से भाषा में कहते हैं ग्लूकोज। 6 ऑक्सीजन निकला और 6 वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है। ये निकलता है, ये हमारी अभिक्रिया का मुख्य भाग होता है जिस तरीके से हम कार्यक्रम करते हैं। ठीक बात है, बन गई ना जी। बहुत डिटेल क्या करेंगे, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे ना हम, उन सबको देखेंगे। अब ये अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया बनने लगी, आगे बढ़े तो प्रकाश संश्लेषण में हो क्या रहा है, इसके लिए एनसीईआरटी कुछ कुछ भाषा में अपने बताती है। आइए उसे समझ लेते हैं कि बन क्या रहा है। तो यार बात कुछ ऐसी है कि इस अभिक्रिया का कुछ मजा है, तो उस मजे को समझते हैं। तो सबसे पहली बात, क्लोरोफिल नामक एक वर्णक है वो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। पहला पॉइंट बहुत आसान है, क्लोरोफिल ने प्रकाश को ग्रहण किया। प्रकाश में इतनी ताकत होती है कि वो ऊर्जा में रूपांतरित होता है, जिसे अपन कहते हैं फोटॉन। ऊर्जा के बंडल बंडल होते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होगा। फलस्वरूप क्या करेगा, जो केमिकल होंगे और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करेगा, अगले ही पल ये वाटर को तोड़ देता है। ये 11th में मैं बहुत डिटेल में बच्चों को पढ़ाता हूं, तुम जब पहुंचोगे तो देखना कि यार कितना आसान था 10th में, 11th में कितना टफ है। लाइट ऐसे ही नहीं आती, ऐसे ही पानी नहीं टूटता, लेकिन हमको अभी आसान भाषा में समझना है क्योंकि बाकी 11th में पढ़ेंगे। लाइट आई, वाटर को तोड़ दी, पानी को तोड़ दी, पानी किसमें टूटा, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। यहां पे एक बड़ा सवाल आता है कि भैया ऑक्सीजन तो पानी में भी था और कार्बन डाइऑक्साइड में भी था, तो ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, वाटर का। किसका निकल रहा है, वाटर का निकल रहा है। तो जल के अणुओं का हाइड्रोजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें अपचयन होता है। कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गया, पूरा ऑक्सीजन निकल गया, धीरे धीरे जितना ऑक्सीजन था वो भी हटा के उसको हमने बना दिया कार्बोहाइड्रेट। तो पूरी अभिक्रिया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सामान्य भाषा में हम कहें, प्रकाश आया, पानी को तोड़ा, वाटर बना, ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन बना, ये सारे हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड की बाद में अभिक्रियाओं में भाग लिए, और अभिक्रियाओं में भाग लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ये भी बड़ी बात है, अपचयन हुआ कि ऑक्सीकरण, अपचयन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन के तैयार है, यही है प्रकाश संश्लेषण। अब दूसरा सवाल, अब प्रकाश तो बन गया, कार्बोहाइड्रेट तो बन गया, अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या तुरंत ऊर्जा ले लेगा, क्या तुरंत आगे बढ़ जाएगा, ये प्रकाश आया और तुरंत कार्बोहाइड्रेट बन गया, ना 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 मुन्ना, बड़ी अभिक्रिया है ये। कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनना, ये वाटर का टूटना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का बनना और कार्बोहाइड्रेट का बनना लगातार नहीं चल रहा होता, रुक रुक के चलता है। तो प्रकाश का आना और इन वाटर का टूटना, इसे हम प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, जो जिसके लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए। यहीं पे ये एनसीईआरटी लिखी हुई है कि भैया यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण जो है वो तत्काल एक के बाद दूसरा होता रहे, कि लाइट आया तुरंत कार्बोहाइड्रेट बना दिए, जरूरी नहीं है। कुछ अभिक्रिया ऐसी है जो प्रकाश की उपस्थिति में हुई, उसे प्रकाश अभिक्रिया कहेंगे। कुछ पौधे इसी प्रक्रिया को, जैसे मरुद्भिद पौधे होते हैं, मरुद्भिद पौधे मतलब भैया जो हमारे वहां रहते हैं मरुस्थल में, वो अगर दिन में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा कर लिए ना अभिक्रिया, तो पूरा पानी वानी सब बाहर चला जाएगा, पौधे मर जाएंगे। तो प्रकाश को ग्रहण कर लिया, आधा काम कर लिया, अच्छा दिन में ही प्रकाश आता है तो चाहे जितना भी गर्मी हो प्रकाश को ग्रहण कर लेता है। फिर आगे का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को रात्रि में लेते हैं, तो ऐसा कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में ऑक्सीजन भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो ग्लूकोज बनाए हो उसको तोड़ के ऊर्जा नहीं लेना है क्या, लेना पड़ता है। तो उनमें क्या होता है, दिन के समय में प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तुरंत ले लो ग्लूकोज ग्लूकोज बना दो, उनमें ऐसे चलता रहता है जो ले सकते हैं। पर जो बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाके में रहते हैं वो प्रक्रियाओं को रुक रुक के करते हैं, प्रकाश सुबह में ले लेंगे मतलब दिन में, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रक्रिया चलाएंगे।
रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में तो लेते ही, पर मैक्सिमम बड़े पौधे कहते ना कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत होता है। रीजन बिहाइंड इट कि उसके पीछे रीजन ये है कि रात के समय पौधे क्या होते हैं, ऑक्सीजन लेंगे, क्यों, उसी ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं पौधे भी, समझे। तो इस तरीके कहानी होती है कि जो पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बना लिए, बीज का कुछ बना लिए, और दिन में क्लोरोफिल की ऊर्जा अवशोषित करते हैं और फिर अंतिम उत्पाद बनेगा। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, आधा काम रात में कर लिए, और दिन में जैसे ही लाइट आया कहानी आगे बढ़ जाती है, कहानी आगे बढ़ जाती है। इसलिए भैया प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इन सभी अभिक्रियाओं का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपके लिए प्रकाश आना भी जरूरी है, पानी का टूटना भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का आग अपचयन कर कार्बोहाइड्रेट बनना भी जरूरी है। पर जिसको जो समय ज्यादा उचित लगे वो उस हिसाब से इसे कर लेता है और कहानी आगे बढ़ जाती है। ये कहानी है। अब जब तुमने पत्ती देखी होगी तो तुमने देखा कि पत्ती का हरा भाग ही प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों के हरे रंग में बिंदु दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर होता है क्लोरोफिल मेरे बच्चे। और अभी हमें यह जानना है कि क्लोरोफिल जरूरी तो है, इसके लिए एक क्रियाकलाप एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। आइए जानते हैं कि क्लोरोफिल कितना जरूरी है, तो कैसे करना है, आइए समझते हैं, और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर आया क्या। तो आपको क्या करना होता है, गमले में एक शबलित पत्ती, शबलित पत्ती का मतलब एक नॉर्मल पत्ती आप ले लिए, जो छोटी पत्ती है, मनी प्लांट की पत्ती है, कोई भी पौधा है ले लीजिए, ले लिया पत्ती, ठीक है। पौधे को 3 दिन अंधेरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड जो है उपयोग हो जाए। उसको 3 दिन अंधेरे में रख दो। अंधेरे में रख दोगे तो होगा क्या कि जितना स्टार्च वो संग्रहण किया हो गया उपयोग ना हो गया। जी 3 दिन उपवास रहोगे तो तुम्हारे अंदर ग्लाइकोजन बचेगा क्या? नहीं बचेगा। जितना संग्रहित करके रखे थे सब चला गया, पूरा स्टोर्ज स्टार्च गया, ठीक बात है। अब जो बनेगा नया बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, पौधे की एक पत्ती को तोड़ ली। अब उसके बाद अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दो। अंधेरे से निकालने के बाद सूर्य के प्रकाश में रख दिए, जा पोषण ले ले, तो बना ले प्रकाश संश्लेषण, जा कर 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 प्रकाश संश्लेषण कर, स्टार्च बना। अब क्या करें, पौधों के एक पत्ती को तोड़ लीजिए, हरे भाग जो है अंकित करिए तथा उन्हें कागज पर ट्रेस कर लीजिए। वह उसके पास जैसे हरा भाग है, हरा भाग कहां कहां पे है वो देख लीजिए। जैसे 3 दिन भैया अगर तुम सूरज में नहीं रखोगे तो 3 दिन के बाद उसका पूरा पत्ता हरा नहीं रह जाता, कुछ पीला हो जाता है, कुछ हरा रह जाएगा। तो जो हरा पत्ता है उसको लिख लो कॉपी में कि यार इतना भाग हरा है और इतना भाग हरा नहीं। तो पत्ती का जो भाग हरा है कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को फिर उबलते पानी में डाल दीजिए। जो हरी वाली पत्ती है उसको उबलते पानी में डाल दीजिए, आधी हरी थी आधी नहीं थी, ठीक बात है। इसके बाद अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए, अल्कोहल में डुबा दीजिए ताकि वो बढ़िया साफ सुथरा सब कुछ हो जाए। फिर क्या करें, अल्कोहल के बाद बीकर को जल उष्मक के रखकर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबलने लग जाए, पूरा अल्कोहल उबल उबल कर उसके साथ अभिक्रिया ना हो जाए, इसे वॉश करना कहते हैं। मतलब अल्कोहल से आप उसे उबाल दो, बहुत बढ़िया। अब पत्ती का रंग क्या होता है, विलयन का रंग कैसे हो जाता है, ये चीज देखनी है। तो जब आप देखोगे अल्कोहल के साथ उबालोगे तो पत्ती एकदम साफ हो जाएगी, एकदम साफ मतलब हरे से पूरा हरा रंग उड़ जाएगा उसका, पूरा हरा रंग हर जगह का उड़ जाएगा, एकदम रंग उड़ गया, ठीक बात है। अब क्या करें, कुछ मिनट के बाद इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में, जिसे कम से कम 5% आयोडीन का सॉल्यूशन कहा जाता है, उसमें डाल दीजिए। अब आयोडीन में डालोगे, डाल दीजिए, फिर बाहर निकालिए, थोड़ा सा आयोडीन से धो लीजिए। अब अवलोकन करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि पत्ती का जो भाग हरा था वो नीला नीला हो गया। रीजन समझे, रीजन इसके पीछे, और जो भाग पीला पीला था वो अभी भी पीला है। इसके पीछे रीजन ये निकल कर आया कि जब आप उसे कुछ दिन तक धूप में से छांव में रख देते हो तो जो भाग अभी हरा बचा है वहां पर क्लोरोप्लास्ट है, वहां पर क्लोरोप्लास्ट है,
क्लोरोप्लास्ट जो है वो है, प्रेजेंट है, ये उपस्थित है, मतलब आप इसे यहां पे लिख देना कि यहां पर है। और ये जो पीला वाला भाग है, यहां पर जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट है। तो बंधु जो हरा भाग था क्लोरोप्लास्ट है, इसने क्या बनाया, इसने बनाया स्टार्च बनाया, मतलब ग्लूकोज बनाया होगा, फिर स्टार्च बना दिया। और जब स्टार्च में हम आयोडीन डालते हैं, स्टार्च में अगर आप आयोडीन डालने पर, ये बात रट्टा मार दो, ट्वेल्थ नीट तक काम आएगी, डालने पर ब्लू कलर आता है, ब्लू रंग, नीला रंग आता है। तो कभी भी आज के बाद आपसे पूछे कि भैया स्टार्च को आयोडीन में डालने में कौन सा रंग आता है, नीला रंग आता है। क्या पता चला कि पौधे के हरे भाग प्रकाश संश्लेषण किए और स्टार्च को बनाए, पौधे के हरे भाग प्रकाश संश्लेषण किए और स्टार्च को बनाए हैं ये लोग, बाकी जो पीला भाग था क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, यहां पर स्टार्च एब्सेंट है, स्टार्च एब्सेंट है। बस ये अवलोकन तुम्हें यही बता रहा है। इसमें पूछा गया है, प्रश्न है कि पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति है कि नहीं, तुम बताओ। तो बोलना जो पीला भाग है क्लोरोप्लास्ट नहीं था, प्रकाश संश्लेषण नहीं किया, मंड नहीं है बाबू। और जो भाग हरा था उसने प्रकाश संश्लेषण किया और अब वो जो है नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि स्टार्च नीले रंग का रंग देता है। और वो कैसे देता है, ये भी बड़ी कक्षाओं का कहानी है। ठीक बात है, बात समझ गए। अब इस पूरी प्रक्रिया में तुमने एक बात पे गौर किया कि भाई अभिक्रिया तो हो गई, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कहां से आया, कौन सी जगह से गया, वही रंध्र से, जो पत्तियों के अंदर छिद्र बताया था ना मैंने, वहीं से आया था। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो अब हम इसके बाद ये पढ़ें कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कैसे किए। अब ये जैसे एनसीईआरटी कह रहे कि नौवीं कक्षा में आपने चर्चा की थी, पता नहीं की थी कि नहीं की थी, पर की थी कह रहा है, तो मान लेते हैं कि उसकी पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तो पत्तियों के छिद्र जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं वो यहां पर रोल प्ले कर रहे हैं आदान प्रदान के लिए। तो पौधों में पूछा जाएगा गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो हम कहना रंध्र के द्वारा होता है, पत्तियों के रंध्र के द्वारा। ठीक बात है, लेकिन यहां पर जानना और भी बहुत जरूरी है कि कभी कभी आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी हो सकता है, पर बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। मुख्य रूप से कहां से होता है, पत्तियों से। तने में एक और भाग पाया जाता है, उसे अपन और लेंटिकल्स कहते हैं, वो फिर बाद में पढ़ना पड़ता है। तने से भी होता है, कभी कभी जो है जड़ से भी हो जाता है, लेकिन बहुत कम। मुख्य रूप से कहां होगा, पत्तियों से होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा की जल की हानि भी होती है। जिस रंध्र को हमने कहा है कि वहां से ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है, अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, उन्हीं रंध्रों से पानी भी निकलता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगर बहुत गर्मी पड़ती है, देखना पौधे सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे से पूरा पानी बाहर निकल, इन्हीं छिद्र से, इन्हीं रंध्र से पानी भी बाहर निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इन्हें ये तभी खोलता है जब जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, बंद कर देगा। खोलता सिर्फ ऑक्सीजन गैसों के आदान प्रदान के लिए ही है, पर कभी कभी लगता है कि खुला हुआ है तो पानी भी बाहर निकल जाता है, बोलता है आ रहे हैं घूम के, थोड़ा बाहर जाते हैं। तो ये कार्यक्रम यहां पर होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तभी ये आवश्यकता नहीं होती तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं, बाकी टाइम खुले रहते हैं। सो क्या समझ में आया, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहां से हुआ, रंध्र से हुआ। उस रंध्र को हम स्टोमेटा कहते हैं, जहां से गैसें भी जाती हैं और कभी कभी पानी भी चला जाता है। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है तो इस रंध्र को हम बंद कर देते हैं बबुआ। ठीक है, अब आते हैं, पौधे इन रंध्रों को, छिद्रों को बंद कर देता है, बंद कर दिया छिद्र। अब छिद्रों का बंद होना और खुलना,
जैसे मेरे मुंह का खुलना और बंद होना मेरी ओठ डिसाइड कर रही है, वैसे ही उन छिद्रों का बंद होना और खुलना उनके आजू बाजू की कोशिका होती है, द्वार कोशिका। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये ठहरा हमारा डायग्राम। ये भी हम 11th में बहुत डिटेल करेंगे, पर समझना। तुम कभी देखना, एक एग्जांपल देखा होगा तुमने कि यार एक टायर मान लो पंचर हो गया, तो जब टायर पंचर हो जाता है हवा निकल जाती है ना, तो टायर बनाने वाला क्या करता है आपको पता है? टायर में पहले पता लगाता है कि पंचर कहां पे है। तो कैसे पता लगाएगा? नॉर्मली पता नहीं चलता, तो पहले पंचर में हवा भर देता है। हवा भरेगा तो क्या होगा? हवा भरता है तो उसके छिद्र की आसपास की जो दीवार है ना वो फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। और जब दीवार फैलानी हो तो उसके अंदर का छिद्र खुलकर निकल कर आता है। क्या समझ आया? कि मुझे अगर किसी के अंदर के छिद्र को खोलना हो, जस्ट एग्जांपल के लिए वो बर्थडे के टाइम पे मान लो कोई एक फुवा गुब्बारा आता है, वो देखा होगा हैप्पी बर्थडे इसमें लिखा रहता है, वो बहुत सिकुड़ा सा रहता है। अगर आप उन्हें अलग अलग करना चाहते हैं, दूर दूर हैप्पी ऐसा बड़ा सा बनाना चाहते हैं, उसके अंदर हवा भरिए। वैसे ही यहां पर भी द्वार कोशिका का कार्यक्रम होता है कि यहां पे देखो ये है द्वार कोशिका, ये है छिद्र, रंध्र छिद्र। उसके बाजू वाली ये जो पीली पीली कोशिका है इसका नाम है द्वार कोशिका, गार्ड कोशिका। ये कोशिका चाहे तो इसे ओपन कर देती है और ये कोशिका चाहे तो इसे बंद भी कर देती है। इसके अंदर हरित लवक भी होता है। ये भी एक प्रश्न पूछा गया कि द्वार कोशिका के अंदर क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो भी कभी कभी प्रकाश संश्लेषण करता है। तुमसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया ये रंध्र कब खुलेंगे, कब बंद करेगा, कौन डिसाइड करेगा, तो ये गेट कपाट ये डिसाइड करेंगे। अगर ऐसा खुल गए तो छिद्र खुल गया, बंद हो गए तो छिद्र बंद हो गया। तो इनके पास जो द्वार कोशिका है, अभी फिलहाल मैं द्वार कोशिका को डिटेल नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये याद रखना कि द्वार कोशिका जो है यही डिसाइड करती है कि रंध्र खुलेगा कि बंद होगा, रंध्र खुलेगा कि बंद होगा। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एक और क्रियाकलाप करते हैं और उसकी कहानी जानते हैं, क्रियाकलाप में हो क्या रहा है। तो ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, गमले में दो पौधे लिए, 3 दिन तक उनको अंधेरे में रख दिया, मान लो रख दिया, ठीक है। अब पौधे के अलग अलग कांच की पट्टी रखिए, पौधों के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दी थी। क्यों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए रखा कि KOH जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये उस जार के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको अवशोषित करके खत्म कर देता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो ये एक चैंबर है, इस चैंबर के अंदर मैं KOH डाल दूं तो अंदर का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट हो जाएगा, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा KOH क्यों डाले, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए, खत्म कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक बात है। अब दोनों पौधों के एक में डाल दिया, एक में नहीं डाला, एक में डाला एक में नहीं डाला, मतलब एक में कार्बन डाइऑक्साइड है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक बात है, बहुत अच्छा। दोनों को अलग अलग बेल जार में ढक दिए, सील करने के बाद कांच पट्टियों पर वैक्सीन लगा के, बढ़िया वैसलीन असलीन लगा के वायु रोधी बना दिए ताकि अंदर से ना वायु बाहर जा सके ना बाहर से वायु अंदर आ सके, ठीक बात है। लगभग 2 घंटों के बाद पौधों को सूर्य के प्रकाश में रख दिया, 2 घंटे के बाद सूर्य के प्रकाश में रख दिया। याद रखना एक जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और एक जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, एक के अंदर KOH डाला है और दूसरे के अंदर नहीं डाला, इधर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो भैया अगर ये पौधा लगा हुआ है, इधर पौधा लगा हुआ है, तो इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, लाइट आएगा तब भी क्या ये प्रकाश संश्लेषण करेगा? नहीं करेगा। यहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा और यहां पर नहीं होगा, ये बात को समझ लीजिए। 2 घंटे तक हमने रख दिया, पौधे की एक पत्ती तोड़ी, क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए, उसमें भी हम आयोडीन डालेंगे, पहले अल्कोहल डालेंगे, अल्कोहल डालने के बाद आयोडीन डालेंगे। तो मुझे बताओ कि आयोडीन का विलयन किसमें नीला रंग देगा? पत्ती का ब्लू कलर इसमें आएगा क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड था, यहां पर ब्लू कलर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तो स्टार्च क्या खाक बनेगा? स्टार्च बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना भाई। तो इस क्रियाकलाप से आप ये निष्कर्ष निकला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश तो चाहिए,
साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। यह क्रियाकलाप का निष्कर्ष है। तुमसे कोई पूछे यही बताना कि इस क्रियाकलाप का क्या निष्कर्ष है, भैया यही कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण ना हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझे। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम, इसमें देखो अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, मर गया बबुआ, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब लाइट आया, इधर भी लाइट मारा हमने, इधर भी लाइट मारा और इधर भी लाइट मारा, दोनों में लाइट मारा, पर लाइट बस थोड़ी ना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, जिसको हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हटा दिया है, जबकि इसमें है। तो ये कहानी निकल कर आती है कि जिससे हमने KOH डाला है, KOH डाला है, जिसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया है, देखो कैसे छोटा सा दिख रहा है, प्रकाश संश्लेषण नहीं किया है ना बेचारा, इसलिए छोटा दिख रहा है, और ये देखो कैसा बड़ा हो गया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण किया है। मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को बहुत आसानी से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आ रही होगी। ठीक बात है, जान गए हम पोषण का तरीका, जान गए हम जान गए कि श्वसन कैसे करता है, रंध्र से करता है। हमारे पास ये दो ठो रंध्र दिख रहे हैं, नाक, उनके पास रंध्र है। अब ये नाक बंद होगा कि खुलेगा, कौन डिसाइड करेगा, इसके आसपास की द्वार कोशिका, वही है, द्वार कोशिका को फुला दिए तो फैल गया, ऐसे सिकुड़ दिए तो सिकुड़ गया, समझे ना। तो द्वार कोशिका ही डिसाइड करेगी कि मुंह नाक बंद रहेगा कि खुला हुआ रहेगा, समझ गए। करके देखो खुद से, नाक कैसे सिकुड़ लो, द्वार बंद हो गया, नाक कैसे फैला दो, नाक खुल गए, समझे। ये कार्यक्रम यहां पर होता है। आगे बात करते हैं। अब सवाल ये आया कि स्वपोषी अपने ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। अब बना तो लिए स्टार्च, स्टार्च सब बना लिए, लेकिन अब इसको उपयोग कैसे करेंगे, ऊर्जा की पूर्ति करेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी तो कच्ची सामग्री की आवश्यकता है, उनको भी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। तो ये पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति जल द्वारा करते हैं। उनके पास कहां से आता है जल, कहां से आता है, तो मैंने बताया था जल मिट्टी से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आता है। तो जो जल है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु से आता है, और जल जो है मिट्टी से आ जाता है। अब जब मिट्टी से आ रहा है तो क्या खाली आएगा, नहीं। कहते हैं कि जब जल मिट्टी से नीचे से ऊपर जाता है, कैसे जाता है, बड़ी कक्षा का पार्ट है, लेकिन जाता है, और जब ये जाता है ना बबुआ, तो साथ में जो घुला रहता है मिट्टी में, कैल्शियम, मिनरल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब लेकर जाता है। तो ये नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है ना, फास्फोरस है, लोहा है, मैग्नीशियम है, इनको भी पदार्थ मिट्टी से ले जाता है। तो जल अकेले नहीं जाता ऊपर तक, जल के साथ साथ आयंस भी जाते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह भी जाता है, और धीरे धीरे ये सब मिलकर एक नए यौगिक बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। और अब ये अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है, इसमें अकार्बनिक जो नाइट्रेट है वो नाइट्राइट के रूप में उपयोग किया जाता है, इन्हें कार्बनिक पदार्थों में रूप में लिया जाएगा, जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। पौधों में एक अंदर एक बड़ी गजब की ताकत होती है, ये आखिरी वाली लाइन में तुम्हें समझाता हूं, थोड़ा कम समझ में आई होगी तुम्हें, कि पौधों को जिंदा रहने के लिए, पौधों को अपने शरीर की चाहे क्लोरोफिल बनाना हो, चाहे कोई भी वर्णक बनाना हो, नाइट्रोजन बहुत चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब तो ऊर्जा के लिए हो गया, तो हमको कैसा ऊर्जा ही मिली हुई है, हमारी संरचना अनरचना किससे बनी हुई है, तो पौधों की मैक्सिमम संरचना नाइट्रोजन से बनती है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लिया हवा के द्वारा, ठीक है, तो हवा के द्वारा पौधे डायरेक्टली नहीं ले पाते, तो हवा से कहां गया, मिट्टी में, फिर वो नाइट्रेट नाइट्राइड बनाते हुए वो पौधों के अंदर जाता है और उसके अंदर उपयोग करता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन वायुमंडल का है, वो पहले पृथ्वी में जाएगा, फिर पृथ्वी से होता हुआ पौधों के अंदर आता है, और ये उनके लिए कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ये इसके ऊपर काम करता है। अगले विषय पे आते हैं। अब स्वपोषी हो गए, स्वपोषी को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, मुख्य पदार्थ है जो नाइट्रेट नाइट्राइट बना के ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए हमारे पास से वो पदार्थ जो कहते हैं जैसे मतलब क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, तो जल नीचे से आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ गई, नाइट्रोजन भी मिट्टी से ही जाता है। अब आते हैं हम विषमपोषी पदार्थों की तरफ, कि यार ये विषमपोषी पदार्थ क्या है, इनकी क्या खास बात है। So, जो विषमपोषी पदार्थ हैं, ये अपना भोजन स्वयं
नहीं बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वपोषी जीवों से लेते हैं, और या तो ऐसे जीवों से लेंगे जो स्वपोषी पर निर्भर है। दो चीजों पर यहां पर बात होती है और इस तरीके से यहां पर कहानी आगे बढ़ती है, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जितने भी लोग अब हैं ये सब विषमपोषी हुए। विषमपोषी मतलब अब अपना ये भोजन खुद नहीं बनाएंगे, ये क्या करेंगे, पौधे बना के रखे होंगे, उनको जो खाएगा या तो पौधे को खा लेंगे या तो जो उनको खाया होगा उसको खा लेंगे, ऐसा करके इनका जीवन अब आगे चलेगा। तो हम इनके विषय पे बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये विषमपोषी होते कौन है। सो विषमपोषी के विषय में सबसे पहली बात यह है कि जो भी अपने जीवन जैसी जैसी जिसके पास उपलब्धता है, जैसा जिसके पास भोजन की तरीके हैं, जो जैसी जगह पे रहता है वैसे वैसे भोजन को कर लेता है, ठीक है। मतलब उनके लिए रहने के लिए, जैसे शेर हमेशा जंगल में ही क्यों रहता है, क्योंकि उसका भोजन वहां पे रहता है ना। मतलब जो भी है, कुछ गीले पौधे हैं जो पानी के आसपास रहते हैं क्योंकि उनका पानियों से उनका भोजन मिलने वाला है, तो जैसी जो जैसी स्थिति है उनके हिसाब से रहता है। तो पोषण की विधि अन्य प्रकार की हो सकती है, भोजन घर ग्रहण करने का तरीका भी। यदि भोजन जैसे घास है अचल है, चल नहीं सकता, तो उसके खाने वाले आराम से, जैसे गाय है गई चारे को चर के आ गई, पर अगर किसी का भोजन दौड़ने वाला है तो आपने कभी सोचा चीता को ही दौड़ने की ताकत क्यों मिली, क्योंकि उसका भोजन बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि हिरण है। तो जैसे जिसका भोजन है वैसी उसकी प्रकृति बनाई गई है, ढंग पर निर्भर करती है, जैसे और गतिशील हो जैसे हिरण हो, या तो रुका भी हो सकता है या तो चलता भी हो सकता है, हमारे लिए दोनों भी, हम घास भी खा सकते हैं, पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। अगर जानवरों को शिकार करना हुआ तो हमें उसे दौड़ दौड़ के पकड़ पकड़ के जैसे भी पकड़ना होगा खाएंगे, जैसा भी तरीका है वैसे हम खाएंगे। जैसे गाय या शेर किस प्रकार का पोषण उपयोग करते हैं आपको पता ही है इसके बारे में, है ना। तो भोजन ग्रहण करने के तरीके भी अलग हैं और उनको खाने का अपना अपना तरीका है सबका। जैसे अब भोज्य पदार्थों को विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, कुछ लोग जैसे कि हम क्या करते हैं, भोजन को शरीर के अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाकर उसे पचाते हैं और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका शरीर इतना बड़ा नहीं है कि वो इतने सारे भोजन को शरीर के अंदर लेकर जाएं, तो वो लोग अपनी प्रकृति क्या करते हैं, अपने भोजन को शरीर के बाहर ही पचा देते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद उसे अवशोषित करके उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर छोटा है। जैसे कि खासकर ये होते हैं कवक प्रकार की प्रवृत्ति के लोग, कवक बहुत माने जाते हैं इस मामले को लेकर, कि वो लोग जो काम अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे फिर पाचन करेंगे एंजाइम की सहायता से, कवक अपना एंजाइम शरीर के बाहर ही मुक्त कर देता है, वहीं पर उसको सड़ा गला देगा और उसके बाद उस पोषण को खाता है, उसके बाद खा लिया और ऊर्जा प्राप्त कर ली। तो कुछ ऐसे भी हैं जो पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं और तब उनका अवशोषण करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कवक यानी फफूंद, ईस्ट और मशरूम, ये सब कवक हैं और ये लोग बाह्य पाचन करते हैं, आंतरिक पाचन नहीं, हमारी तरह आंतरिक पाचन नहीं होता, इनका पाचन बाहर ही हो जाता है, ये विशेष प्रकार है, सिर्फ कवकों में होता है, बाकी सब में नहीं होता। बाकी हम लोग ऐसे हैं कि अपने भोज्य पदार्थ को अंतर ग्रहण करते हैं और उनका पाचन हम शरीर के अंदर करते हैं। तो भोजन को लेने के भी अपने अपने तरीके हैं, कुछ लोग शरीर के अंदर ले जाकर करते हैं, कुछ लोग शरीर के बाहर ही कर लेते हैं। तो बाहर कौन किया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कवक फफूंद जिसे अपन कहते हैं, ईस्ट हो गया, मशरूम, ये सब एक ही है, ये सब के सब कवक ही होते हैं, फंगस होते हैं जिसे हम कहते हैं, ये अपना भोजन शरीर के बाहर ही पचा लेते हैं और फिर अंदर ले जाकर ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जबकि हम और दुनिया के ज्यादातर जीव जिनको आप जान रहे हैं वो भोजन को अपने शरीर में ले जाकर पचाते हैं, ठीक बात है। जैसे आप एक ये एग्जाम्पल आपके सामने बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे अमीबा है, इसके भोजन को ग्रहण करने का तरीका एकदम अद्भुत है, हमारी तरह दांत से चबा के नहीं खाता, इसका शरीर है, ये एक कोशिकीय जीव है, बहुत गौर से देखना मैं इसे समझाता हूं फिर, ये एक शरीर जीव है, ठीक है। अब इसके पास केंद्रक है, ये खाद्य कण उसका आ गया, अब जैसे ही उसे खाने का कण दिखाई देगा वहीं से वो एक होल बनाता है, उसे कहते हैं कूटपाद, स्यूडोपोडिया, मतलब एक ऐसा हाथ पैर बनाएगा जो झूठा है, जैसे ही भोजन गया उसने अपने एक मुंह बना लिए, जिसे हम कूटपाद कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पादाब भी कहते हैं और कूटपाद भी कहते हैं, वहां से वो भोजन को अंदर लिया, पैक कर लिया, अब वो उसके अंदर आ गया, ये खाद्य का कण जो है उसके अंदर आया, एक रिक्तिका बनाई जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं, खाद्य रिक्तिका, और उसके बाद भोजन ग्रहण कर लिया। तो आज के बाद शायद नीट तक आप हमेशा इस बात को याद रखना कि फूड वैक्यूल यानी खाद्य रिक्तिका, ये केवल किसमें होती है, अमीबा में, और कूटपाद भी कौन बनाता है, अमीबा।
हालांकि कूटपाद बहुत सारे कारणों से ये बनाता है, पर ये अमीबा का एक विशेष प्रकार है। जैसे कवक का एक विशेष प्रकार है कि बाह्य पाचन करता है वो, वैसे ही अमीबा का एक विशेष प्रकार है कि ये कूटपाद के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर लेकर आता है। ठीक बात है। अब जैसा जैसा शरीर वैसा वैसा सब लोग खाते हैं, आपसे दो तीन उदाहरण पूछे जाएंगे, आप मुझे बताना कि यार जैसा जिसका जीवन का भोजन है वैसा विधि अलग है। जैसे मुझे आप बताओ कि घास, ठीक है, घास कैसे भोजन लेता होगा, तो घास यार प्रकाश संश्लेषण से ले लिया, पक्की बात है। फल, कोई कीट खाता है, कोई मछली खाता है, कोई मरा हुआ खरगोश खाता है, कोई जिंदा खरगोश खाता है। अब मरा हुआ खरगोश का मतलब क्या है, खरगोश मर जाए अगर मान लो, या कोई भी जीव मर जाए, 15 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, अपने आप उसका शरीर किस दुनिया में उड़ गया आपको पता तक नहीं चलेगा। आपको पता है उसे बैक्टीरिया और ये कवक ही खा जाते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करके पूरा शरीर पचा देते हैं, हड्डी को छोड़ देते हैं क्योंकि हड्डी पचती नहीं है, समझ रहे हैं। वैसे ही कुछ लोग फल खाते हैं, कुछ लोग कीट को खाते हैं, कुछ लोग जिंदा खाते हैं, कुछ लोग मरे हुए को खाते हैं, उसके बारे में आप सोच लेना। कुछ ऐसे जीव हैं जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। बिना मारे का मतलब क्या होता है, ठीक है, कुछ बिना मारे का मतलब क्या है, कुछ मरी हुई चीजें हैं उनसे अपना पोषण ले लिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना पोषण डायरेक्टली दूसरे पर निर्भर है, जैसे परजीवी, हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आया तो अपना पोषण खुद बना रहा है क्या, नहीं, हम पे ही निर्भर है, उसे परजीविता कहते हैं, परजीविता कहते हैं, ठीक है। जैसे अमरबेल हो गया, अमरबेल जानते हैं ना, पौधे में पीला 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 जो लगा रहता है वो जिस पौधे में है उसी से अपना पोषण लेता है। किल्ली, अब ये क्या वर्ड होता है, जानवरों में खासकर गाय भैंस भेड़ बकरी में आपने देखा होगा एक ऐसा छोटा सा लीक जैसा संरचना जो है उसके ऊपर आती है, जो दिन पे दिन खून चूसते चूसते फूल जाती है, वो जू जो तुम्हारे बालों में होता है वो लीच, ठीक है, फीता कृमि, ये सब जो है ये विषम पोषी के अंदर भी कैसे है, परजीवी। तो अगर हम विषम पोषी को देखें कि कितना प्रकार हुआ, तो विषम पोषी में एक तो हुआ मृतोपजीवी, जो मरे सड़े गले पदार्थों से भोजन लिया हुआ है, एक हुआ परजीवी जो पूरी तरह से किसी और पे निर्भर है, फिर तीसरा हुआ परपोषी जिसका पूरा पोषण ही कोई दूसरा बना के इसे दे रहा है, बना बनाया पोषण खा गए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे परजीवी, पैरासाइट हैं ये लोग, ये परजीवी हैं, परजीवी, पैरासाइट जिसे अपन कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं ना, कोई अगर पूरी तरह से हम पे निर्भर हो गया अपने भोजन के लिए तो पैरासाइट, हमारा बना बनाया पोषण खाएगा ये, ठीक है। और ये जैसे कवक वाली बात आती है तो कवक वाले पार्ट जो होते हैं इनको हम विषम पोषी कहते हैं, मृत पोषी कहेंगे, ये मरे गड़े पदार्थों से अपना पोषण ले रहे हैं, तो मरे पदार्थों से अपना पोषण अगर तुम किसी से लेते हो, जैसे ये कवक हो गया तो ये होता है मृत जीवी, यहां पर लिख देता हूं, ये है मृत जीवी। तो ये अलग अलग नाम है, मृतोपजीवी, मृत जीवी, अलग अलग नाम आपको अलग अलग जगह दिखाई देंगे, आपसे ये पूछा जाएगा, आपको इसको बताने की शैली होनी चाहिए कि जो मरसड़े गले पदार्थों से अपना पोषण ले रहा है वो मृत जीवी है, और जो अपना भोजन जो है किसी दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है, उसके शरीर से हटा दिया जाए तो मर भी जाएगा, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक बात है। आगे बढ़े, अगले स्टेटमेंट में देखें, अब भोजन को लेने की भी विधि अलग अलग है, जब लेने की विधि अलग अलग है तो पाचन का तंत्र भी अलग अलग होगा। सब भाई, सबका पेट एक जैसा नहीं होता ना, सबका अलग है, केचुए का अलग है, कॉकरोच का अलग है, गाय भैंस का अलग है, हमारा अलग है, हाथी का अलग है, भोजन अलग, तरीके अलग, तो काम भी अलग और तंत्र भी अलग, ठीक है। जैसे एक कोशिकीय जीव जो मैं अभी तुमको पढ़ा रहा था अमीबा के बारे में, संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, एक कोशिकीय जीव है तो भैया उसके पास अलग से मुंह तो होगा नहीं, अलग से पेट तो होगा नहीं, एक ही कोशिका है तो उसमें पूरी कोशिका से कहीं से भी सतह से अपना पोषण ले लेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी जटिलता बढ़ती जाएगी सबके अलग अलग काम होंगे, मतलब जैसे क्या है, तुम अपने घर के अकेले लड़के हो तो तुम ही हमारे अपने घर के स्वीपर भी हो, तुम ही अपने घर के झाड़ू पोछा करने वाले भी हो, तुम ही जो है सारा झाड़ू सब्जी लेने भी तुम ही जाओगे, आटा को लाने भी तुम ही जाओगे, मार्केट भी तुम ही जाओगे, गाड़ी भी तुम ही बनवाओगे, गाड़ी धोओगे भी तुम, सर्वविदित नौकर तुम ही रहोगे अपने घर के, है ना। लेकिन अगर तुम बड़े हो गए, जटिलता आ गई, तो बड़ा आदमी हो गया, तो खाना बनाने के लिए अलग नौकर, लड़के पालने के लिए अलग नौकर, सबके लिए अलग अलग हो जाता है ना। तो वही बात है, जब तक तुम एक कोशिकी हो अपना भोजन एक ही कोशिका के सतह से ले लोगे, लेकिन जैसे जैसे जटिलता बढ़ती जाएगी तुम्हें भोजन लेने के तरीके बदलते जाएंगे और अलग अलग तरीके से लेते जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया अमीबा एक ही कोशिका है,
तो वो कूटपाद बना लेती, सतह से लेती है, अस्थाई प्रवर्ध बनाती है। और इस अस्थाई प्रवर्ध का नाम मैंने भी तुम्हें पढ़ाया है, अस्थाई प्रवर्ध का नाम भूलने का नहीं है क्योंकि ये पूरे नीट तक तुम्हें काम आएगा। कूटपाद स्यूडोपोडिया कहते हैं और जिससे वो अंदर ले रहा है उस खाली जगह का नाम रिक्तिका होती है, जिसे अपन कहते हैं खाद्य रिक्तिका, फूड रिक्तिका इसे अपन कहते हैं। ये नाम भी आप देखना, डायग्राम मैं दिखा चुका हूं, आप उस डायग्राम को पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, अब वो पदार्थ को लिया, रिक्तिका के अंदर लिया, रिक्तिका के अंदर पचाया, पचाने के बाद जब वो पच गया तब उसके शरीर के अंदर वो गया और उसकी कोशिका के अंदर फिर वो पोषण देगा, समझे। तो खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ को ले लिया, पचाया उसने कहां पर, उसने पचाया खाद्य रिक्तिका में। ये तुमसे सवाल पूछा जाएगा, भैया जैसे तुम मुंह से खाना खाते हो तो मुंह से खाना ले तो लिए कूटपात से, लेकिन पचाओगे कहां, तुम्हारे तो पेट में पाचन, छोटी आंत में पाचन होता है, उसके पास तो ये सब है नहीं, तो कहां लेकर गया, रिक्तिका में लेकर गया, खाद्य रिक्तिका में, वहां उसे पचाया और पचाने के बाद कोशिका द्रव्य यानी जो शरीर के अंदर की कोशिका होती है उसके अंदर उसने डाल दिया, विसरण कर दिया। विसरण का मतलब ट्रांसफर कर दिया, अभी सामान्य भाषा में समझ लीजिए, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर वो चला गया। अब चला गया, अब क्या करे, बचा हुआ पदार्थ भी वैसे ही वो बाहर कूटपात से निकाल देगा, बाहर के शरीर से जब बचा हुआ मटेरियल कुछ भी होगा वैसे ही बाहर निकालेगा, वैसे ही बाहर निकालेगा। तो अमीबा में अपनी स्पेशलाइजेशन है भैया, अपना ही एक तरीका है। वैसे अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो जब भी आप कुछ भी चीज पढ़ोगे, गति पढ़ोगे, श्वसन पढ़ोगे, तरीका पढ़ोगे, तो आपको ये अमीबा पैरामीशियम कवक को जरूर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एकदम अद्भुत है यार, हमारी तरह नहीं है, हर किसी जीव का नहीं पढ़ना है। आप बोलोगे यार इतने सारे एग्जांपल कैसे याद रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, अमीबा पैरामीशियम को अभी से कंठस्थ करना शुरू करो क्योंकि ये लोग अद्भुत है, ये लोग जीवों में भी अलग प्रकार है इनका, एकदम अलग। तो पैरामीशियम भी वैसे ही होता है, एक कोशिकीय जीव है और इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की है, भोजन को एक विशेष स्थान से ही ग्रहण करता है जिसे हम उसे मुख गुहा कहते हैं, गलट कहते हैं, जिसे कहा जाता है गलट, आप इसे कहेंगे मुख की गुहा। जैसे पैरामीशियम का आपने डायग्राम ऐसा पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अपन स्लीपर लाइक डायग्राम बनता है, ऐसा पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो ये जो भाग इसकी होती है ये गलट है, मुख गुहा है, ये भोजन को यहीं से लेगा, अमीबा की तरह नहीं कि कहीं से भी ले लिया। तो दोनों एक कोशिकी हैं लेकिन दोनों में अंतर देख रहे हो, एक कूटपाद बना रहा है और एक गलट मुख गुहा बना रहा है, वहीं से भोजन लेगा। अब सवाल है कि भोजन यहां तक पहुंचेगा कैसे, तो भोजन को पहुंचाने के लिए इनके पास छोटे 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 पक्षमाप होते हैं। पक्षमाप मतलब समझते हो बबुआ, पक्षमाप का मतलब होता है सिलिया, और इस सिलिया से ऐसे 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 गति कर करके वहां पर पहुंच जाता है। तो अमीबा ने कुछ नया किया, अमीबा ने मुख गुहा बनाई, अमीबा ने पक्षमाप के द्वारा, उसके पास हाथ नहीं था, पक्षमाप से भोजन को अंदर प्रवेश कराया भाई, और गलेट से मुख गुहा से अंदर भोजन ले लिया, फिर अंदर पचाया उसने। तो इस तरीके से आपने दो एग्जाम्पल देखा और दोनों एग्जाम्पल में आपने ये बात समझ ली, जान ली, परख ली कि भैया एक कूटपाद से भोजन लेता है और रसधानी में पाचन करता है, एक सिलिया के द्वारा भोजन को पकड़ता है और उसके बाद अंदर ले लेता है गलट की सहायता से, मुख गुहा की सहायता से, या जो भी गुहा आप उसे कहेंगे उस गुहा की सहायता से वो शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भोजन के प्रवेश करने को लेकर ही, अब ये कैसे हुआ आइए समझते हैं कि ये क्या कहानी बता रहा है। बता ये रहा है कि 1 ml मंड का घोल है, स्टार्च का घोल है, अब इसको समझेंगे, इसके सवालों पर ही हमारा जवाब जुड़ा होगा, इसके सवालों पर ही हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो सवाल क्या है कि 1 ml स्टार्च का घोल लिया, स्टार्च कहां से आता है यार, ये आलू आलू से मिल जाता है, ठीक है, 1% लिया, 2 परख नली में डाल दिया, ए और बी में डाल दिया, 1 परख नली में हमने लार डाल दिया, 1 परख नली में हमने लार डाल दिया, अब डाला क्यों, प्रैक्टिकली समझो ना तो कहानी समझ में आएगी, और दूसरी परख नली में हमने नहीं डाला, दोनों परख नली को 20-30 मिनट तक छोड़ दिया कि जाओ कर लो काम अपना, स्टार्च था और मैंने लार भी डाल दिया, दोनों एक में डाला है एक में नहीं डाला है और छोड़ दिया थोड़ी देर बाद, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाला,
आयोडीन तो जानते हो कि अगर स्टार्च है तो नीला कलर आएगा, और अगर स्टार्च नहीं है तो नीला कलर नहीं आएगा। ये तो तुमने अभी तक पढ़ ही लिया होगा, चैप्टर को समझ ही लिया होगा। नहीं समझ आया, वीडियो पॉज करके फिर से पुराना वीडियो पूरा देखो पूरा, और फिर समझ में आ जाएगा। तो यार थोड़ी देर के बाद क्या आपको रंग परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्या नीला आया या नहीं आया, ये बताना है। तो अब गौर करो मेरी बात को, थोड़ा धैर्य से सुनना। ये बबुआ हमारी परख नली है, हमने यहां पर स्टार्च डाला, ये ए वाली है। एक और परख नली है, इसमें भी हमने स्टार्च डाला और इसका नाम बी रख दिया। दोनों में स्टार्च है। अब कायदे से दोनों में मैंने आयोडीन डालना था, पर मैंने ए वाले में लार डाल दी। अब लार डालने से हुआ क्या, लार डालने के बाद इसमें आयोडीन डाला, इसमें भी आयोडीन डाला, तो एक में क्या होगा और एक में क्या होगा। बॉस बात ऐसी थी कि बी में जो है वो नीला रंग आया, बी में नीला रंग आया, आप इसको समझ लेना। क्यों आएगा नीला रंग, क्योंकि अभी भी इसमें क्या था, स्टार्च था। लेकिन इसमें नीला रंग नहीं आया, इसमें नीला रंग नहीं आया। कोई भी रंग आ सकता है पर नीला रंग नहीं आया। अब तुमसे पूछा जाएगा कि यार इसका स्टार्च गया कहां, अगर ये स्टार्च था तो नीला रंग क्यों नहीं आया, ये कौन सा जादू है, ऐसे कैसे, केमिस्ट्री से बड़ा जादू इस दुनिया में आज तक कहीं नहीं आया मेरे भाई। इतना जल्दी रंग बिरंगा सब परिवर्तन हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। तुरंत केमिस्ट्री से बड़ा खेल जादू है ही नहीं इस दुनिया में कहीं, सुनते बस रहना। अब नीला रंग क्यों नहीं आया, अद्भुत हो गया, ये तो गजब नीला हो गया भाई कि लाल डालने से नीला रंग चला गया। तो हुआ ये कि जब हमारे पास स्टार्च था, हमने उसमें लार डाला, तो लार में एक एंजाइम पता चला। एंजाइम का नाम था एमाइलेज। थोड़ी देर पहले हमने ये बात बताई थी, और वो स्टार्च को तोड़ दिया किसमें, माल्टोज में। कुछ याद आया। अब भैया जब माल्टोज में पूरा स्टार्च टूट गया तो स्टार्च बचा क्या, तो स्टार्च की जगह माल्टोज की संख्या वहां पर बढ़ गई, तो क्या स्टार्च बचा क्या, नहीं बचा स्टार्च। तो जब स्टार्च है ही नहीं तो नीला रंग क्या खा खाएगा, नहीं आएगा। हमने लार डाल के स्टार्च का पाचन कर दिया, और पाचन कर दिया, नीला रंग नहीं आएगा। यही है इस परिभाषा का, इस परखनली का, इस प्रैक्टिकल का आंसर। तो कोई आपसे पूछ दे और नहीं पूछ रहा है, तो आप अपनी क्लासमेट से जाकर, आप अपने टीचर से जाकर ये पूछिए कि गुरुजी आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या ये एक यूट्यूब में एक टीचर थे वो हमको बता रहे थे, क्या ये बात सही है, पूछ के देखना, मजा आ जाएगा। सारे क्रियाकलाप पढ़ाते हुए चल रहा हूं भाई, ताकि सारी चीज मेरे बच्चों को एकदम 110% श्योर हो जाए। डायग्राम बनाना मैं वैसे ही सिखा दूंगा, तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं तो इसलिए पहले समझते हुए चलो, साइंस को फील करो। ये सब्जेक्ट है आपकी भावनाओं को समझने के लिए। इस दुनिया में साइंस से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई सब्जेक्ट है। रीजन है कि देखो यार, खाता बही मरना हरना सब चला रहता है, लेकिन दुनिया को समझने वाला, चांद को समझने वाला, पृथ्वी को समझने वाला, पानी को समझने वाला, ब्रह्मांड को समझाने वाला, दुनिया के हर कार्यक्रमों को विधि पूर्वक बताने वाला एक ही चीज है इस दुनिया में, वो है विज्ञान, जो आपको अद्भुत से अकल्पनीय अद्वितीय एक्सपीरियंस देगा, ये पक्की बात है। तो अगर अभी से आपको ये सब्जेक्ट्स मन लगाकर आपके समझ में आते हैं तो आपके जीवन में भूचाल एक बड़ा बदलाव आने वाला है मेरे बच्चे, ये बात याद करके रख लेना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, भोजन मान लिया, हम अपने शरीर की ही बात करूं, मैं अपने शरीर की ही बात करूं जिसे मैं आगे समझाऊंगा। मैंने भोजन को खा लिया। अब जब भोजन को खाया तो मैं बेसिक, अगर तुम्हें एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बताऊं, देखो बहुत ज्यादा डिटेल वाला भी जल्दी जल्दी वाला डायग्राम बनवाऊंगा, तो आपके लिए अगर मैं एकदम सिंपल सा डायग्राम बनवाऊं ना, तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। एकदम जल्दी वाला डायग्राम है ना, तो बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम को फील किया जाए, फील किया जाए इस डायग्राम को, है ना, कि कैसे हम इसको फटाफट वाला, जल्दी वाला, मजेदार वाला बना सकते हैं। मैं ये इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भैया हम जो काम कर रहे हैं बहुत अद्भुत काम है बाबू ये, समझे। थोड़ा बहुत, अब थोड़ा जल्दी सा है तो आप इसे कवर कर लेना, सिर्फ उतना, बाकी तो आप 10th के विद्यार्थी हैं, अभी तक डायग्राम
तीन चार बार आप बना ही चुके होंगे तो और आप बना ही लेंगे, ठीक है, पर आप इसे जरूर बनाइए। धीरे धीरे देखना पतली होती जा रही है पाइप, है ना, और कुंडलित भी यहाँ पे पहुंच गई, खत्म हो गई पाइप यहाँ पे, ठीक बाबू। अब इसके बाद हमारी जो पाइप है वो आगे की तरफ ऐसे 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 गई, ठीक है। तो अब क्या हो गया, दिख रहा है सब कुछ और क्या, बस यही सही होना चाहिए। याद रखना 20 घंटा नहीं लगाना डायग्राम बनाने में, खत्म, इतना टाइम नहीं लगता है हमको, एकदम साक्षात पेट बना के थोड़ी छोड़ना है, बस इतना डायग्राम बना दिया, तुम्हें दो नंबर ही मिलने वाले, सब मिलते हैं। देखो यार, तो अब यहाँ पे दांत आंत बनाने की कोई जरूरत है नहीं, ये तुम्हारा भाग होता है जिसे अपन कहते हैं मुख गुहा। यहाँ पर बहुत सारे जो है तुम्हारे लार आर ये सब पाई जाती है, इसे हम कहते हैं नासा गुहा, ये कहानी समझ लो, ठीक है। ये यहाँ से जो पाइप जाती है ना, ये श्वसन नली है, श्वसन नली सामने की तरफ में फेफड़ा होता है, ये पता है ना तुम्हें कि यार सामने की तरफ फेफड़ा होता है, ये हमारा होता है क्या बोलते हैं इसको, इसको अपन कहते हैं ग्रसिका, इसे हम कहते हैं ग्रसिका, जहां से ये सारे आकर मिलते हैं एक जगह पे, इसे हम कहते हैं ग्रसनी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। ये जो है हमारा क्या है, ये है हमारा अमाशय, ये जो व्हाइट व्हाइट बाकी दिख रहा है ये सब हमारी छोटी आंत है, इनके बारे में और आपको बताएंगे कि इसके भी तीन प्रकार हैं, उसके भी तीन प्रकार हैं, सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले नाम तो पढ़ लो, बड़ी आंत। अब ये बड़ा डायग्राम हो गया, बाकी सब तो मैं छोटे छोटे डायग्राम, बड़ी आंत का सेपरेट डायग्राम सब कुछ बना के, और ये जो दिख रहा है हमारा ये है गुदा द्वार, पहले इतना तो हम याद कर ही सकते हैं, ठीक है, इतना तो हम याद कर ही सकते हैं, तो वो पहले याद कर लो, इसको डायग्राम को मेरे साथ बनाने की प्रैक्टिस करना, और जितना जल्दी हो जाए उतना इसे कवर करके खत्म कर देना। अगले विषय पे आते हैं, तो आ जाओ सुनो भाई, तो हमारा शरीर क्या करता है, पहले हम ये पढ़ ले, हमारा शरीर भोजन को लेता है, लेने के बाद तरह तरह का चबाते हैं, नली से गुजर के फिर आखिरी में गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है, इस बीच में हम उसे पचा भी लेते हैं और इसी बीच में हम उसे अवशोषित करके अपने शरीर में भी पहुंचा देते हैं, बचा कुचा आगे चला गया। सोचो क्या गजब का चीज होगा भैया, हम मुंह से खा रहे हैं, दांत से चबा रहे हैं, फिर वो हमारे पेट में जा रहा है, फिर वो पच रहा है, फिर छोटी आंत में जा रहा है, पच के उसको अवशोषित भी हो जा रहा है, खून में भी चला गया, और खून में जाने के बाद जो बचा कुचा मटेरियल है वो बाहर भी निकल रहा है, वाह क्या अद्भुत बात है। तो हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जो हमारे भोजन नली से गुजरता है, ऐसा क्या होता होगा भोजन नली में, पाचन और अवशोषण। तो प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिसे हम पहले धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में बदलते हैं। क्यों बदलना है भाई, अगर हम उसे नहीं बदले तो क्या हुआ, अगर आप उसे छोटे छोटे कणों में नहीं बदलोगे तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे अगर मैं एक चूना दे दूं, बोलो मुंह में लगा लो, तो लगा लोगे क्या, नहीं, लेकिन पाउडर दूंगा तो लगा लोगे। इसीलिए जो बड़े बड़े कण हैं, चावल के तौर पर, सब्जी के तौर पर, आलू के तौर पर, भिंडी के तौर पर, उनको चबा के एकदम टुकड़ा पीस देना है पहले, तो अभिक्रिया जल्दी होगी। तो प्रक्रम से गुजरना है, उसी तरह छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, दांत का, और दांत को मिलाने के, दांत से जब आप उसको चबा कर पूरा कर लेते हैं तो आहार नाल बहुत कोमल है। असल में आहार नाल बहुत कोमल है और किसी चीज को आगे बढ़ना है, तुम लोग कभी देखना कि किसी एक टूथपेस्ट अगर सूख जाए तो दबा के देखना क्या टूथपेस्ट का बाहर निकलता है, नहीं निकलता। जब तक वो गीला है, जब तक वो पेस्ट बना के है, आप पीछे दबाओगे सामने का पेस्ट निकलेगा। लेकिन अगर यही चीज सूखी होती तो ऐसा नहीं होता, आप उसे दबा के मूवमेंट नहीं कर पाते। पानी को बहाना बहुत आसान है, पर धूल धक्कड़ को बहाना बहुत मुश्किल होता है ना। पानी को अगर आप ऐसे बहा दोगे तो बहुत जल्दी आसानी से बह जाएगा। उसी तरह आपके भोजन को भी पूरी गति करनी है। अब तुम यहां से चबा तो लिए, कभी सोचा है कि पेट में वो आगे क्यों बढ़ रहा है, इतना रास्ते को आगे ही क्यों बढ़ रहा है, पीछे आ गया तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए उसका पेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम आहार नली बहुत कोमल है, अतः भोजन को गीला किया जाता है, किससे, कौन गीला कर रहा है, लार, ताकि वो आसानी से मार्ग में ट्रांसफर कर सके। जब भी हम कुछ खाते हैं
या नहीं भी खाते हैं या सोच लिए कि आ हा 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 क्या मजा आ जाता अगर मैं बेहतरीन दही बड़े खा रहा होता, अभी समोसे चटनी में डाल के प्याज में डाल के खा रहा होता, ओह मजा ही आ जाता, पिज्ज़ा खाते एकदम उसके ऊपर में पनीर डाला होता और तरह तरह की चीज़ें, भाई साहब मज़ा आ रहा है, डोसा खाते, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो वो खाते, मुँह में पानी आया, क्यों आया, इस पानी का क्या मतलब है, तुम्हें लालची बनाना चाहता है, नहीं, इस लार से, इस मुँह के पानी से भोजन को गीला बनाया जाता है, थोड़ा सा लसलसा बनाया जाता है ताकि भोजन आगे जाए, उसके अंदर बहुत सारी रस होते हैं, वो पानी नहीं है कि मुंह में पानी आ गया, असल में वो पानी बहुत बड़ा खेल करता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें मटेरियल होता है, क्या नहीं होता जी उसमें, सो कोई भी पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है और वास्तव में ये जल नहीं बल्कि उसके निकलने वाला एक रस है जिसे आप लार कहते हैं। तो जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल संरचना है, ठीक है, उसकी जटिल संरचना है, तो अगर वो जो रस निकल रहा है वो इतना जटिल संरचना है कि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है, तो अगर हम उस पदार्थ को, जैसे मैंने बताया था कि यार दाल चावल ये सब चीजें हमारे पेट में खून में कैसे जाएंगी, खून के अंदर तो पतली पतली नली है, उसमें अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे छोटा छोटा करना बहुत जरूरी है। कभी आप सोचे कि हमेशा चबा के ही क्यों खाना खाना चाहिए, नहीं खाए निगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अजगर की तरह हमारे अंदर वो ताकत नहीं है बाबू कि हम अंदर जाकर उसे पचा सकें, वो अजगर के अंदर है, इसलिए अजगर फिर 5 दिन खाना नहीं खाता, इसलिए अगर तुम चबा चबा के खाना नहीं खाते हो ना तो तुम्हारा आहार नाल तुम्हें जल्दी भूख नहीं लगवाएगा, तुम्हारे आहार नाल में हमेशा पेट भरा 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 भारी भारी लगेगा, जबकि तुम चबा चबा के खाओ तुम्हें कभी भारी भारी नहीं लगेगा, तुरंत खाना पचने लग जाएगा, तो इसलिए तुम चबाते इसलिए हो क्योंकि यार वो बहुत बड़ा बड़ा खाना था, उसको चबा दोगे तो उसके पाचन और अवशोषण के लिए आसानी हो जाएगी, उसे अवशोषण में आसानी है। जैसे कभी एक सवाल आता है, नीट में भी कई बार पूछा गया है कि यार आप भोजन को कितना पचाना चाहते हो, तो आप बताना हम भोजन को कम से कम इतना पचाना चाहते हैं कि वो अवशोषण कर जाए, अगर वो अवशोषण नहीं कर पाएगा तो फिर खाने का मतलब ही क्या, असल में मैं खाना खा क्यों रहा हूं, जीभ में अच्छा लगे इसलिए, नहीं भैया वो खून में जाए, खून में जाके ऊर्जा के लिए खाया था मैंने उसे, ठीक है, तो जब खून में ऊर्जा के लिए खाया था उसको पचाओ ना, और पचाने के लिए उसे छोटा करो ना, कर दिए, ठीक है, अब जब यह पचा दिए तो पहले तो भौतिक तौर पर तोड़ो फिर रासायनिक तौर पर तोड़ना। भौतिक तौर पर तोड़ने का मतलब यार जो खाना तुम इतना भर भर के इतना सीधा खा रहे हो उसको पहले चक्की बनाओ, जब चक्की बना के पूरा वो चिकना लस लस, जैसे कभी कभी देखना तुम जब भी तुम कभी कोई चीज पीस रहे होते हो ग्राइंडर मिक्सर पे, तो अगर उस पर तुम थोड़ा सा पानी नहीं डालोगे ना तो अच्छा नहीं पिसाता है, पानी रहता है तो नमी के साथ मस्त पिसाता है, होता है ना, वही चीज लार के साथ है, पचा दिया हमने उसको, अब जब वो पचा तो क्या रासायनिक परिवर्तन आ गया, हम तो स्टार्च खाए थे, बड़ा बड़ा प्रोटीन खाए थे, ये हमारा शरीर उपयोग नहीं कर सकता, उसे छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा कि वो अवशोषण हो जाए, और हमारा शरीर ग्लूकोज को जानता है, अमीनो एसिड्स को जानता है, पानी को जानता है, आयंस को जानता है, बड़े बड़े स्टार्च नहीं जा सकते हमारे छोटी सी खून में, छोटी सी वाहिकाओं में, इसलिए हम पदार्थों को पहले भौतिक तौर पर फिर रासायनिक तौर पर तोड़ते हैं, छोटे छोटे भाग में बदलते हैं, और इतना छोटा कि अब वो अवशोषण हो जाएगा, ठीक है, मान लिए, अब अगर आप उसे अवशोषण करवाना चाहते हो या तोड़ना चाहते हो तो यार सिर्फ भौतिक अभिक्रियाएं नहीं लगेंगी, रासायनिक अभिक्रिया भी लगेंगी, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे शरीर में होती है एक उत्प्रेरक जिसका नाम एंजाइम है उसकी सहायता से होती है। स्टार्च क्या अपने आप माल्टोज में टूट जाएगा? नहीं, हमको एंजाइम चाहिए। अगर वो एंजाइम ना हो भाई साहब हमारे शरीर में तो हम उसे नहीं पचा सकते। कोई भी अभिक्रिया जो हमारे शरीर में, अभी पूरा चैप्टर यही देखना समझना कि हर अभिक्रिया के लिए एंजाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो अभिक्रिया की दर को कर सके, बढ़ा सके। तो जब भी हम किसी को पचाते हैं तो हमें जैव उत्प्रेरक लगता है और जिसे हम एंजाइम कहते हैं, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज, ये डायग्राम है मैंने आपको बता दिया है, हल्का हल्का पढ़ लेना, पित्त की नली ये वगैरह वगैरह आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं बना देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें आप चीजों को याद रखना, ठीक है, जैसे यहां पर बनाना शुरू करोगे तो यहीं से एक पाइप ऐसे आगे जाती है, ठीक है, और ये पीछे से ऐसी रहती है, थोड़ा सा ये दबी हुई रहेगी,
तो मान लो ये हमारा लीवर हो गया और यहीं से इसके पीछे में यहां पर ऐसा 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 पित्ताशय बना, ये होता है, ये है अग्न्याशय। आप बाकी डायग्राम को अच्छे से बना लेना और अगर आपसे नहीं बनेंगे तो आप मुझे बताना। इसे अपन कहते हैं वृक्क यकृत ना, यकृत, और यहीं पर एक भाग और होता है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। बाकी आप अच्छा वाला डायग्राम बनाना, है ना। मैं अगर नहीं बनेगा आपसे तो मैं समझता हूं कि इसे फिर मुझे अलग से आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये सब चीज चाहिए हम। एंजाइम का नाम क्या बताया मैंने, एंजाइम का नाम बताया लार एमिलेज, ठीक है। इसे कहा जाता है लार एमिलेज कहते हैं, पर इसको बड़ी भाषा में एमाइलेज भी आप कह सकते हैं। एमाइलेज है जो मैंने आपको बताया कि स्टार्च को छोटी छोटी सरल शर्करा में तोड़ता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, सरल शर्करा में, मंड को तोड़ा है। सरल शर्करा का नाम पूछना नहीं चाहोगे, नाम होता है माल्टोज, पाचन तो कर ही दिए हम, ठीक है। तो भोजन को चबाने के दौरान पानी उसमें मिलाना है और इसके लिए जीभ का भी बहुत बड़ा रोल है, जीभ का भी बहुत बड़ा रोल है। जीभ से हम उसे मिलाते जाते अच्छे से मिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे मिक्स नहीं करोगे तो पाचन उतना अच्छा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है भाई। फिर आहार नली में भोजन की नियमित गति होती रहती है जो सही ढंग से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। अब एक और सवाल है कि भैया भोजन आगे ही आगे क्यों बढ़ रहा है, पीछे क्यों नहीं आ रहा है। उसके पीछे एक गति है जिसका नाम है क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन उस गति का नाम है जिससे भोजन आगे 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 बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं हम उसे। आप ये बात याद रखना, जैसे अजगर खाता है तो कैसे देखा होगा आपने, अजगर खाता है ना, थोड़ा सा खाता है, फिर फैलाता है, फिर खाता है, फिर फैलाता है, फिर खाता है, फिर फैलाता है। वैसे ही हमारा आहार नाल भी पूरी अजगर की तरह ही काम करता है, भोजन को अंदर लेता जाता है और उसके बाद अंदर ले जाएगा। तो आपके भोजन हमेशा आगे बढ़ाने के लिए गति है क्रमानुकुंचन, जिसे हम कहते हैं। बड़ी क्लासेस में इसे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, पर अभी आप इतना याद रखें कि क्रमानुकुंचन होता है, ठीक है। मुंह से भोजन कहाँ गया, तो मैंने बताया मुंह से भोजन ग्रसिका की सहायता से आमाशय में गया। डायग्राम याद है ना, मुंह से भोजन जो है यहां से आगे बढ़ा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, ठीक है, ले जाया जाता है। आमाशय एक अंग है जो भोजन को आगे फैल जाता है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को और रसों के साथ मिलाती है। आमाशय के अंदर भी पेशी होती है, लगातार पेट ऐसे फूलता फैलते रहता है, उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल्स की सहायता से यह अभिक्रिया आगे बढ़ती रहती है, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। तो ये बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया, समझाया, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान पे रखना है, क्लियर रहेगा ये पॉइंट, पक्की बात है, ठीक है। इतनी चीजों को अभी एकदम याद कर लीजिए। अब इतनी चीजें अगर आपको याद हैं, सारी चीजें समझी हैं, तो अभी मैंने एक ही साथ सारी चीजें पढ़ाने का मैं बोलता हूं कि सब चीज एक दिन पे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं हो सकता। तो आप इतनी चीजों को पहले पूरा फोकस कर लीजिए, मन लगा लीजिए, क्योंकि पहले साथ ही आप इतने 8 घंटे 9 घंटे मेरे साथ नहीं बैठ पाएंगे। मैंने किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी भगा भगा के पढ़ाने की कोशिश नहीं की है, समझाने की, एक एक चीज समझाने की कोशिश की। और मेरे को मालूम है मेरे 10th के बच्चों कि आपको हर एक चीज पढ़ानी बहुत जरूरी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट निखर कर आ जाए। इसलिए इसके दूसरे पार्ट को अब बहुत जल्द आप तक पहुंचाऊंगा, तब तक आप पहला पार्ट कवर कर लीजिए, बाकी की सारी चीजें आपका इंतजार करती हुई बहुत ही जल्द आप तक पहुंच जाएंगी। होप सो ये वीडियो पसंद आएगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बताते रहना बॉस कि ये चैनल आपका है और आप हमारे और हम आपके। तो चैनल को भरपूर प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आपका बड़ा भाई ये चीज देख रहा हूंगा कि बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन पे क्या प्यारी प्यारी बातें कही हैं। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।